सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट इंजीनियर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2023। जो गेट 2023 का अभी पेपर हुआ, बेसिकली उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनके सॉल्यूशंस किस तरह से बनने चाहिए थे, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं विनय कुमार सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के वो क्वेश्चंस जो इस एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जो हमारे पास क्वेश्चन पहुँचे हैं, उसमें एक क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का पहुँचा है, जिसमें ग्राफिकल मैथड का यूज़ दिखाई दिया हमें, और एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर इन्वेंट्री से भी देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम लोग उन क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपके पास में एलपीपी दिया गया था। एलपीपी जो आपके पास में है, ये है मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इक्वल्स टू 45x1 प्लस 60x2। ये आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया था। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, x1 लेस देन 45, ये दिया गया था आपको 10x1 प्लस 10x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 600। फिर दिया गया था आपको 25x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल्स टू 750। एंड एक और कंस्टेंट हमें दिया गया था x2 लेस देन इक्वल्स टू 50। ऐसा हो सकता है कि ये जो कंस्टेंट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपने जब वहाँ पेपर देखा उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। जो स्टूडेंट्स ने हमको बताया है, हम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रेंट्स दिए गए थे और यहाँ पर एक डायग्राम भी हमें दिया गया था, जिसमें अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स उनके हिसाब से सर यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ करके ही उसने दिया था। तो अगर मैं बात करूँ जो डायग्राम दिया गया था वो किस तरीके का दिया गया था, ये आपके पास में एक्स दिया गया था, x1 यहाँ पर दिया गया था, और यहाँ पर आपको दिया गया था x2, यहाँ पर आपको दिया गया था 30, यहाँ पर दिया गया था 60, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में 90, देन 120, 150। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो ये हमें दिया गया था 30, देन 60, देन 90, देन 120, देन 150। देखिए कंस्ट्रेंट्स जो है, जिसमें बोला गया x1 इज लेस देन 45। सो अगर x1 को आप लेस देन 45 के लिए ड्रॉ करना चाह रहे हो तो आप कहेंगे सर ये जो लाइन है कुछ ऐसे गई होगी, क्लियर। लेस देन 45 का मतलब इसका मतलब इस साइड वाला रीजन रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इस साइड वाला रीजन रहा होगा, इसकी चर्चा हो रही होगी। ये कौन सा है आपके पास में, x1 equals to 45, less than की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये complete reason आपके पास में आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया गया x2 less than equals to 50, x2 less than equals to 50 की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए ये कुछ ऐसा आपको दिया गया, 50 यहाँ कहीं रहा होगा, तो ये वाला reason आपके पास में आएगा x2 less than equals to 50। तो ये बन जाएगा आपके पास में x2 less than equals to 50। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो आपके पास में आगे के फीचर्स, आगे के जो कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं, जैसे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा हमारे पास में, ये आएगा x1 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइड बाय 10 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 600 डिवाइडेड बाय 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसे में ये बन जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 60 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमने कहा सर अगर इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ तो ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, 60 से 60 के बीच में ये लाइन जाएगी कुछ ऐसे, और इसमें जो रीजन आएगा वो इस साइड का आएगा। ये कौन सा है आपके पास में, सर ये हो गया हमारे पास में x1 डिवाइडेड बाय 60 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1।
ये हमें दिया गया है। इसके अलावा एक और कंस्टेंट है, उसको भी मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ ऐसा x1 डिवाइडेड बाय 750 डिवाइडेड बाय 25 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 750, ये 5 है और 50 है, लेट मी वेरीफाई, ये 5 दिया गया, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया आपके पास में x1 बाय 30 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 150, सो 30 एंड 150, ये जो आपके पास में आने वाला बेटा, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सो 30 से 150 ये आ गया कुछ ऐसा। सो ओवरऑल माय डियर, मैं अगर यहां पर आपको बताना चाहूं तो ये जो रीजन होगा ना, ये वाला, ये आपका वो फिजिबल रीजन है जिसमें से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने क्या बोल दिया यहां पर ए, और इसको बोल दिया बी, और इसको मैंने बोल दिया है सी। और जब मैंने यहां पर फाइंड किया पॉइंट ए, तो ये वैल्यूज मैं ऑलरेडी फाइंड कर कर लेके आया हूँ। वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज कैसे मिलती है, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना था, ये जो ए पॉइंट आपके पास में आ रहा है, इसके लिए आपको ये जो कंस्ट्रेंट है और ये जो कंस्ट्रेंट है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो ये जो पॉइंट मेरे पास में आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 22.5, 37.5। ऐसे ही ये जो बी पॉइंट है, ये भी हम फाइंड करके लाए। जो बी पॉइंट आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा बेटा 20.50, और ये जो सी पॉइंट है बेटा, ये आ रहा 10.50। तो जनरली जब मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, जेड मैक्सिमम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको जो वैल्यूज, वैसे तो तीनों पर चेक करनी है, आप इतना समझ सकते हैं कि जब मैं कौन से पॉइंट को, बी पॉइंट को पुट करूंगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास में आ रही है 45 × 20 प्लस 60 × 50, ये वैल्यू आपके पास में मैक्सिमम आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, यहाँ से आ रहा होगा 900 और यहाँ से आ रहा होगा 3000, सो इट विल बी 3900। अगर ये रुपीस में दिया गया था तो रुपीस डेफिनेटली यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमाइजेशन। जो फिजिबल आंसर, जो ऑप्टिमम आंसर देगा, वो बी पॉइंट देगा, और कितना देने वाला, 3900। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने डेफिनेटली एग्जाम में किया होगा, क्योंकि एलपीपी को बहुत ज़्यादा समय देके आपको एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया था, तो बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को करके आएंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मैं बताता हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर कुछ इस तरीके का एक ग्राफ आपको मिला होगा, इंडस्ट्रियल से ही मैं बात कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए ऐसा ग्राफ दिया गया है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये जितने भी इनपुट्स लेकर हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर फ्रेम किया है, ये आप मान के चलिए कि स्टूडेंट्स ने जो हमें बताया है, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर इनको बनाया। तो इट मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको एक्चुअल क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो ऑर्डर क्वान्टिटी, और ये आ गया बेटा आपके पास में कॉस्ट। सो अगर मैं बात करूँ, तो जो पहला कर्व हमें दिया गया है, वो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है कुछ इस तरीके की, और एक स्ट्रेट लाइन दी गई थी कुछ इस तरीके की। उसके बाद में अगर मैं कर्व की बात करूँगा, तो एक कर्व दिया गया बेटा ऐसा, और एक कर्व दिया गया हमें कुछ ऐसा। इसको दिया गया वहाँ पर एक नंबर, इसको बोला गया है दो नंबर, इसको बोला गया है तीन नंबर, और इसको बोला गया है चार नंबर। ठीक है, आपको यहाँ पर ए में दिया गया है टोटल कॉस्ट, बी में आपको दिया गया है यहां पर सेटअप कॉस्ट, सी में आपको दिया गया बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि यहां पर प्रोक्योरमेंट और ऑर्डरिंग कॉस्ट है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से वेरीफाई किया, ये प्रोडक्शन कॉस्ट ही हमें देखने को मिला वहां पर। फिर आया यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट। तो देखिए ऐसी कंडीशन में अगर किसी वर्ड या किसी कॉस्ट के बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप हमेशा उस कॉस्ट को रेफरेंस लीजिए जिसके बारे में आपके पास में 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए था सेटअप,
मतलब किसी भी सेटअप को वापस रीस्टार्ट करने में जो कॉस्ट लग रही है उसको आप फिक्स्ड कॉस्ट की कैटेगरी में लेकर चलते हैं, तो ये जो चार नंबर है ये जाएगा आपके पास में सेटअप कॉस्ट के बाद। उसके बाद में अगर आप देखें तो ये ऑफकोर्स टोटल कॉस्ट के पास जाना चाहिए, तो ये एक नंबर आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। फिर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में आ रहा होल्डिंग कॉस्ट, जो कि क्वांटिटी के साथ, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास में आएगी उतनी ही ज़्यादा होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने वाली, तो ये आ गया दो नंबर। अब देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपके पास अपने आप बच गया तीन नंबर। ये बोल रहा है जैसे जैसे नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ेगी तो जो बल्क प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर डेफिनेटली आपकी कॉस्ट क्या होने वाली है, कम होने वाली है, तो ये आपके पास में आ गया तीन नंबर। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर आपको मैचिंग्स करनी थी, ये भी आपके पास में एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हैं कि अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसको आप बड़ी आसानी से एग्जाम में करके आ सकते थे, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करके आएंगे। तो ये दो क्वेश्चन मेरे पास में आए इंडस्ट्रियल से जो डेफिनेटली आप लोगों ने किए होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरी ऑफ मशीन से हमें मिले हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। वहाँ से भी इस बार काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अच्छा मतलब सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जनरली मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस बार गेट एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आया वो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गियर से दिया गया है, ये दिया गया है टू मैशिंग स्पर गियर, टू मैशिंग स्पर गियर विद डायमेट्रिकल डायमेट्रिकल पिच डायमेट्रिकल पिच 8 teeth per mm एंड यहां पर हमें दिया गया है ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1/4 सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस 30 mm अपार्ट, द नंबर ऑफ टीथ, द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर, और यहां पर दिया गया 1 is। तो जो डेटा है अगेन मेमोरी बेस्ड है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि जो डेटा है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस डेटा को वेरीफाई किया है। तो एक गियर बेटा आपको ऐसा दिया गया था और दूसरा गियर उसके साथ कुछ इस तरीके से मैशिंग में दिया गया था। सो अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये एक नंबर काउंटर क्लॉकवाइज और दो नंबर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं जो डायमेट्रल पिच दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो आपने बोला सर डायमेट्रल पिच, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं बेटा तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, इससे सिंपल क्वेश्चन वैसे तो नहीं मिलेगा आपको। सो डायमेट्रल पिच जो बेटा आपको दिया जा रहा है वो दिया गया है 8 teeth per mm, पॉइंट इस एमएम में दिया गया है, तो इसका जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/8 mm, ये आ गया आपके पास में मॉड्यूल। उसने बोला सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, देखिए ये आपके पास में सेंटर है और ये आपके पास में सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बोल लिया R1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बोल दिया R2। तो हमने बोला सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इट मीन्स आप बोलना चाह रहे R1 + R2 = 30 mm, तो हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, 30 mm इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में यहाँ पर आया आपके पास ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1, ये मॉड इसलिए लगाया क्योंकि दोनों का जो मोशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से 1/4 और ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 को आप लिख सकते हैं T1/T2। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये बन जाएगा T2 = 4T1, तो एक और छोटा सा रिलेशन आपके पास में आ गया दो नंबर। अब आप देखिए R1, आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2,
फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू. इक्वेशन वन एंड टू की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा बेटा आपके पास में एम टी वन डिवाइडेड बाई टू प्लस एम टी टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू 30. सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो m बाहर आ जाएगा मॉड्यूल और ये बन जाएगा t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 60. आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड्यूल कितना दिया गया 1 बाई एट, सो इट विल बी 1 बाई एट. और t1 कितना है सर ये पता नहीं है, और t2 को लिख सकते हैं 4 t1 इक्वल्स टू 60. सो फाइनली ये बन जाएगा t1 60 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 12 और ये बन गया 96 teeth. ये आपके पास में कितना आ गया 96 teeth. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो गियर से पूछा गया. मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो गियर से पूछी जा सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंपलेस्ट पार्ट आपसे गियर से पूछा. तो एक तरीके से एग्जाम में ये आप लोगों के लिए गिफ्ट था. अगर आप देखेंगे तो इससे भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोगों ने गियर में प्रैक्टिस किए थे, लेकिन चलिए आपके लिए अगर गिफ्ट आया तो बहुत अच्छी बात है. अब मैं यहां से आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड. जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना, ये पूछा गया वाइब्रेशन से. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट लैंग्वेज जो हमारे पास अवेलेबल है वो बोल रहा है, द फिगर शोज अ ब्लॉक ऑफ एम इक्वल्स टू 20 kg attached to a pair of identical linear spring each spring having constant k equals to 1000 newton per meter, the block oscillates on a frictionless horizontal surface assuming free vibration. The time taken by the block complete 10 oscillations is और इन सेकेंड्स आपसे पूछा है. अच्छा यहां पर यह भी दिया गया है पाई इक्वल्स टू 3.14. देखिए जो डायग्राम आपके पास अवेलेबल है बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है. मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता था. अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था. यह आपके पास में आ रहा है 20 kg, इसकी स्टिफनेस के देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फाइंड करेंगे एफ एन विच इज़ 1/2π रूट ओवर के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय एम. क्योंकि ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है सो के इक्विवेलेंट विल बी के वन प्लस के टू. तो
तो ये बन गया आपके पास में के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू के वन आपके पास में ये कितना है 1000, तो ये बन जाएगा आपके लिए 1000 प्लस 1000, सो के इक्विवेलेंट आपके पास में आएगा टोटल 2000 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद में अगर आप यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एफ एन इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर 2000 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये आ गया आपके पास में एफ एन इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 पाई 5/π हर्ट्ज। तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा बेटा आपके पास वो होता है 1/fn, सो इट विल बी पाई डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड्स। आफ्टर 10 ऑसिलेशंस कितना टाइम इसने लिया, 10 ऑसिलेशंस के बाद या 10 ऑसिलेशंस में कितना समय इसने लिया, तो आप कहेंगे सर जो टाइम आपके पास में आ रहा है उसको आप लिखेंगे टी मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो ये आ रहा है बेटा 2 पाई। 2 पाई का मतलब कितना हो गया 6.28 सेकेंड्स। तो अगर डेटा आपका बिल्कुल करेक्ट है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, अगर यही डेटा आपसे पूछा गया है वहाँ पर, तो यकीन मानिए कि जो आंसर है वो 6.28 सेकंड होना चाहिए। लेकिन अगर डेटा यहाँ पर बदल गए तो ऑफकोर्स प्रोसीजर जो है बिल्कुल आपको ये रखना चाहिए था, अगर प्रोसीजर बिल्कुल आपने ये रखा है तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सो अब अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था थ्योरी ऑफ मशीन से, वो आई सेंटर मेथड का पूछा गया था, तो अगेन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन, इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में, देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको देखकर वहां पर बड़ी खुशी होगी कि ये एक तरीके से बोनस मार्क्स है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन रोलिंग का केस या फिर कैनेडीज थ्योरम के बारे में काफी चर्चा हम लोगों ने की है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहां पर आई सेंटर फाइंड करने में कोई दिक्कत आई होगी। तो क्वेश्चन क्या है, अ डिस्क रोल्स विदाउट, अ डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ फ्लैट सरफेस अ रॉड पी क्यू इज अटैच्ड अटैच्ड टू डिस्क एज शोन, वन एंड ऑफ रॉड इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, on the surface if the angular velocity of disc is omega 1 and that of rod is omega 2, then value of omega 2 is, देखिए क्वेश्चन कैसा दिया गया था डायग्राम में, कुछ इस तरह का आपको एक, इधर बना देते हैं, कुछ इस तरह का आपको एक डिस्क दिया गया था, ऐसा एक डिस्क बना हुआ था वहां पर, और ये ग्राउंड, ये इसका सेंटर था, यहां से एक रॉड पिन करके यहां रखा गया था सिर्फ, ठीक है। और भी कुछ डायमेंशंस अवेलेबल है हमारे पास में, कि ये जो डायमेंशन दी गई थी यहां से यहां तक, ये दी गई है 3 मीटर, और यहां से यहां तक ये जो डायमेंशन दी गई है, ये दी गई बेटा 2 मीटर, और इस जगह से बेटा, इस जगह से इस जगह तक,
इस पॉइंट तक, ये है 8 मीटर, इसको बोला गया है ओमेगा 1 और इसको बोला है हमने ओमेगा 2। देखिए बेटा, आप सभी लोगों को पता होगा कि जनरली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम जो फिक्स होता है उसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं और इसको 3 नंबर मान लेते हैं। तो एक बार हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर बाद में वापस रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने कहा कि सर अगर आई सेंटर में फाइंड करूंगा, क्योंकि प्योर रोलिंग है तो सबसे पहले I12 आएगा इस जगह पे और I23 आने वाला है इस जगह पर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और 3 के बीच में स्लाइडिंग हो रहा है, तो ऐसे में जो आई सेंटर आएगा वो इधर कहीं इसके परपेंडिकुलर होगा, स्लाइडिंग के परपेंडिकुलर, क्योंकि पॉइंट की वेलोसिटी इधर ही तो आएगी ना, तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। और अकॉर्डिंग टू कैनेडी तीनों आई सेंटर किस पर होने चाहिए, एक लाइन पर होने चाहिए, कॉमन सेंस। तो ओवरऑल इस जगह पर आपको क्या मिलने वाला है, I13 मिलने वाला है। तो ऐसे में हमने क्या देखा यहाँ पर कि सर मुझे 2 और 3 के बीच में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ओमेगा 2 I12 I23 इक्वल्स टू ओमेगा 3 I13 एंड I23, यही होगा। तो हमने कहा कि सर ओमेगा 2 के बारे में कुछ भी नहीं पता, और 1 2 से 2 3 की डिस्टेंस, देखिए 1 2 से 2 3 की डिस्टेंस, हमने कहा लेट्स सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो आप इतना तो जानते हैं कि ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, मतलब अगर इसको आप x मान लेते हो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में x cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई सर 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा, और यहाँ आ गया ओमेगा 3। अब देखिए ये कितना दिया गया आपको यहाँ से यहाँ तक का, सर ये दिया गया 8, तो ये एंगल भी थीटा ही रहेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये बन जाएगा सर 8 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा चला गया और ये आ गया आपके पास में 4 times, तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू 4 times ऑफ ओमेगा 3। अब इनको आप वापस कन्वर्ट कर दो एक्चुअल नोटेशंस के हिसाब से, तो 2 नंबर है इसकी स्पीड को बोला गया ओमेगा 1, 3 नंबर की स्पीड को बोला गया ओमेगा 2, तो ये आ गया आपके पास में कुछ इस तरीके का रिलेशन। तो या तो ये ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर ऑप्शन में आपको दिया गया होगा कुछ इस तरीके का, दोनों में से जो भी आपको दिया गया हो वो आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में आपको समस्या आनी चाहिए, ऑफकोर्स ऐसा क्वेश्चन आपको वहाँ पर डेफिनेटली सॉल्व करके आना चाहिए था। देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आया था वो मैट्रिक्स का, सॉरी मैकेनिक्स का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो मैं बताता हूँ किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिक्स से। देखिए मैकेनिक्स में हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, चलिए पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैकेनिक्स का जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मैकेनिक्स का, वो देखिए क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था विच वन इज नॉट रिजिड। अब आपके पास में कुछ इस तरीके के केसेस बना के दिए थे उसने कि इनमें से कौन सा रिजिड नहीं है। तो एक केस आपको दिया गया था कुछ इस तरह का ट्रस, दूसरा दिया गया था कुछ ऐसा, तीसरा जो दिया गया था कुछ इस तरीके का दिया गया था आपको, और नेक्स्ट जो दिया गया था तो आप देखिए ये भी ऑफ कोर्स आपके पास रिजिट है, ये भी रिजिट है और ये भी रिजिट है। उसने बोला कौन सा रिजिट नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो केस है, ये रिजिट नहीं है, जिसको आप ट्रस के फॉर्मूले से पता भी कर सकते हो, और वहां पर मैंने आपको बताया भी है कि सर ये जो है आपके पास में रिजिट नहीं होता है, क्लियर है। तो रिजिट बनाने के लिए आपको एक और मेंबर यहां पर लगाना पड़ेगा। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ स्फेरिकल बॉल
और स्फेरिकल बॉल वेटिंग टू केजी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.9 मीटर ऑन टू एन इनमूवेबल रिजिड ब्लॉक एज शोन इन द फिगर. If the collision is perfectly elastic what is the momentum vector? Of the ball? In kg meter per second just after impact. Take the acceleration due to gravity. G equals to 9.8 meter per second square. ये इसलिए दिया था कि calculation जो है वो आपके पास में बेहतर हो जाए. वो बोल रहा है options जो है उसमें हमने थोड़ा सा modification कर दिया है, तो आपका answer जो भी nearest आ रहा हो उसके हिसाब से आप answer mark करें. तो ऐसा कुछ आपको दिया गया है. देखिए ये क्वेश्चन था और डायग्राम भी दिया गया था इसमें. कैसा डायग्राम मैं आपको बताता हूं. कुछ इस तरीके का ये एंगल जो है बेटा 30 डिग्री है और ये जो बॉल आपको दी गई है ये 2 केजी, ठीक है, और ये जो हाइट आपको दी गई है यहां से यहां तक की ये 4.9 मीटर दी गई है. ठीक है, इसको थोड़ा और दूर लिख देता हूं जिससे कि मेरे को सॉल्व करने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है. ये आपको 4.9 मीटर दी गई है, ठीक है, और ऑफ कोर्स कॉमन सेंस जी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया था, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया था. इट मे बी पॉसिबल कि डेटा लिटिल बिट चेंज हो सकते हैं. सो अगर मैं बात करूं यहां पर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ये पता करना है कि जब ये यहां पर टकराया होगा, तो देखिए ये आपके पास में ये ब्लॉक जो है इसका प्लेन हो गया और ये हो गया आपके पास में लाइन ऑफ इंपैक्ट परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक. जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है कुछ ऐसा है, क्लियर इतनी बात. तो हमने कहा कि सर ये ऐसे आके नीचे गिरा होगा, तो जब ये टकराया होगा उस समय पर इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी. तो आपने कहा कि सर एक्चुअल में जब टकराया होगा उस समय पर ये कितनी हाइट से आ रहा था. आपने बोला 2gh इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट 2gh. तो आपने यहां पर पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय g इज 9.8 एंड h इज 4.9. सो ओवरऑल रूट ओवर 9.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये बन जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड. पहला काम क्लियर हो चुका है. दूसरा वो बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक टक्कर है. परफेक्टली इलास्टिक टक्कर अगर आपको दी गई है तो आपको इस बात को भी यहां पर समझ लेना है, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक टक्कर आपको दी जा रही है यहां पे. और जब परफेक्टली इलास्टिक टक्कर है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि सर यहां पर
क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक टक्कर है, तो जो टक्कर से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो दी गई है, क्यों परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन ऐसा दिया गया ना, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हमने कहा ब्लॉक जो दिया गया वो तो रेस्ट में, तो पहले और बाद की वेलोसिटी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो बॉल दी गई है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। तो ये जो एंगल आप देख पा रहे हैं, ये एंगल हमें दिया गया था 30 डिग्री। सो अगर ये 30 डिग्री आपके पास अवेलेबल है, सर ये कैसे पता चला, क्योंकि ये 30 डिग्री है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल तो सेम रहेगा ना, उसके बाद ये जो बॉल है ये कुछ इस एंगल पे चली, क्योंकि हमको नहीं पता है कितना एंगल है, तो लेट्स सपोज इसको मान लिया थीटा, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहां पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो आप देखेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो उसका कॉस कॉम्पोनेंट हो जाएगा 9.8 cos 30 डिग्री। और वही अगर आप बात करोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो हमें नहीं पता वेलोसिटी बाद में कितनी आ रही है और एंगल कितना है, तो आपने उसको मान लिया वी और इसको बोल दिया थीटा। तो आपके पास में यहाँ से एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई और इसको आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। अब आप लीनियर मोमेंटम की बात कर सकते हैं अलोंग दिस एक्सिस, आप कहेंगे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो इस एक्सिस के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्वड रहने वाला है। तो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, आप लिखेंगे एम वी, तो एम कितना है 2, वी कितना है 9.8 sin 30 हो जाएगा उस पर इक्वल्स टू, इसके लिए अगेन एम कितना है 2, वी कितना है वी साइन थीटा। सो यहां 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन गया 9.8 sin 30 डिग्री इक्वल्स टू वी साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। तो आपने कहा सर इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 9.8 cos 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस 9.8 sin 30 डिग्री का स्क्वायर इक्वल्स टू v cos थीटा का स्क्वायर प्लस v sin थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से 9.8 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैंने देखा तो ये बन गया v स्क्वायर और अंदर बन गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ से पता चल रहा है वी इक्वल्स टू आपके पास में आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपके पास में वेलोसिटी आ रही है, ये जो बेटा आपके पास में वेलोसिटी आ रही है, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेशन के बाद में जो वेलोसिटी आ रही है ना उसकी बात हो रही है। तो वी बराबर कितना आ रहा है आपके पास में, तो यहाँ से हमको पता चल गया सर जो वी आ रहा है वो 9.8 मीटर ही आ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। बताएंगे इतनी कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह की कोई समस्या रही नहीं होगी। अब अगर आप एंगल की बात करें बेटा, यहाँ पर एंगल की अगर आप चर्चा करेंगे तो ये एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में लेट्स सपोज आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन में अगर आप जाते हैं तो ये बन जाएगा 9.8 cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 9.8 cos थीटा। तो यहाँ से पता चल रहा है थीटा भी कितना आएगा 30 डिग्री। तो आपने यहाँ से एंगल भी फाइनलाइज कर दिया कि सर ये थीटा भी कितना आएगा 30 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पर बात करें कि उसने पूछा क्या है, इसने बोला व्हाट इज द मोमेंटम वेक्टर ऑफ द बॉल। तो हमने कहा सर वेलोसिटी वी आ गया, मास एम आ गया, अब हमें चाहिए मोमेंटम वेक्टर। तो आप देखिए ये आपका ब्लॉक हो गया, क्लियर है, ये परपेंडिकुलर हो गया ब्लॉक के, ये हमारे पास वेलोसिटी वी है और ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वेट जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा और सही करते हैं। तो ये आपके पास 30 डिग्री था और ये भी कितना आपके पास 30 डिग्री। तो हमने कहा ये आपके पास 9.8 था,
तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा कॉस, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा साइन। तो आप कहेंगे सर एम वी मतलब 2 × 9.8, ये हो गया एम वी। वी कौन सा आएगा इधर वाला साइन 60 डिग्री आई कैप प्लस 2 × 9.8 और यहां पर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री जे कैप। सो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 2.98 कॉस 60 कितना होता है √3/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 2 × कॉस 60 कितना होता है 1/2 तो ये तो 9.8 जे ही आ रहा है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो √3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 16 point something तो अप्रॉक्सीमेटली 17 आई कैप प्लस 9.8 जे कैप मैं इसको लिख सकता हूं। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 17 आई कैप और 9.8 जे कैप सी ऑप्शन जो है वो मैच करा। थोड़ा सा लिटिल बिट लेंदी, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेंदी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा होगा तो बाकी क्वेश्चन से जो समय बचा होगा उस समय को यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को भी आपने वहां पर सॉल्व किया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की गई है और कुछ इस तरीके का डायग्राम भी आपको दिया गया है। मैं दिखाता हूं आपको, ये आपको एक एक्सिस दिया गया है, यहाँ पर भी आपको एक एक्सिस दिया गया है और इसमें ये देखिए ये लाइन जो जा रही है कुछ इस तरीके की लाइन जा रही है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये हो गया मेरे लिए x और ये हो गया मेरे लिए y। ये दिया गया था बेटा आपको 1.5 मीटर और ये दिया गया था मुझे 1.5 मीटर, ये दिया गया था 3 मीटर, ये बन गया हमारे पास में 3 मीटर। अब अगर मैं बात करूं यहां पर तो हमने कहा कि एक काम करो इसको मिला दो, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, हमें y एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो हमने कहा क्या करेंगे हम यहाँ पर, किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो हमारी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। हम क्या करेंगे इस रेक्टेंगल के लिए फाइंड करेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रेक्टेंगल के लिए फाइंड करके उसमें से इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला जो एरिया उसके लिए एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये कितना रहा होगा आपके पास में, सर ये रहा होगा 1.5, और भी कुछ दिया है, बिल्कुल ये दिया गया है आपको 12 मीटर। तो देखिए जब आप बात करेंगे आई, हमें कौन से एक्सिस के अबाउट बोला है, वाई एक्सिस के अबाउट बोला है, तो आपने बोला सर अगर मैं बात करूंगा आई रेक्टेंगल के लिए तो ये कितना आएगा 1/3। इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो बेटा, बीच में से बात, सेंट्रोइड से बात नहीं कर रहे, सेंट्रोइड से आपने बिल्कुल याद कर रखा होगा, इस एक्सिस से मैं बात कर रहा हूं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 क्यूब, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस क्यूब। फिर हमने कहा आई ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1.5 × 12 क्यूब, कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। तो जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया होगा तो ये तो आ गया होगा 12 क्यूब, जब इसको आप सिंप्लीफाई करने जा रहे हो बेटा तो ये मेरे ख्याल से आपके पास में आ गया होगा 1/8 आई ट्राइंगल 1/8 मल्टीप्लाई बाई 12 क्यूब। तो हमने कहा सर हमको तो फाइंड करना है इस टेपर्ड सेक्शन के लिए, तो ये बन जाएगा आपके पास में आई इक्वल्स टू आई रेक्टेंगल माइनस आई ट्राइंगल। तो आपने कहा सर ये बन जाएगा 12 क्यूब माइनस 12 क्यूब डिवाइडेड बाय 8, तो इट विल बी 7/8 इंटू 12 क्यूब। तो ये वैल्यू आ रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, इसके लिए आपने क्या फाइंड कर लिया 7/8 मल्टीप्लाई बाय 12 क्यूब, लेकिन जो रिक्वायर्ड आई है वो तो कंप्लीट के लिए, तो आई रिक्वायर्ड विल बी ट्वाइस ऑफ दिस, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय
12 क्यूब, तो इसको हमने कैलकुलेट करके रख रखा है। तो ये जो कैलकुलेट हमने किया, ये वैल्यू जो आ रही है बेटा आपके पास में, ये आ रही है 3024 meters4। ये हमारे पास में रिक्वायर्ड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, क्योंकि ट्राइंगल की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दे रखी है, मैंने आपको यहाँ पर रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी गलत करना चाहिए था। तो ये सब क्वेश्चंस डियर हमारे पास में आए थे, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल से या मैकेनिक से या फिर थ्योरी ऑफ मशीन से। अब हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसको काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सरप्राइजिंगली जो मैं स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देख पा रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं आया, जो कि ऑफकोर्स आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। आप देखिएगा बाकी पेपर में आपको लीनियर अलजेब्रा अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो किसी एक पेपर से गायब हो जाता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि भाई अगली बार भी नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि अगली बार आपसे आए आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ पेपर सेट हो रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पेपर के अंदर एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, दूसरे में उसका वेटेज कम है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस लेवल की आपने प्रिपरेशन की है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स इज 0.015 इन अ बॉक्स ऑफ टू हंड्रेड। 200 यूनिट में से जो डिफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स है उनकी प्रोबेबिलिटी है 0.015। फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ऑप्शन जैसे स्टूडेंट ने बताया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन हमारे सामने आए थे। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया था 3.3, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था 1/√3, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया था, मतलब हो सकता है सीक्वेंस वहाँ पर बदल गया हो, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया था वो था 1/3, 1/3। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरियंस जो होता है ना वो बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नहीं भी पता तो जो ऑप्शंस बेटा आपको दिए जा रहे हैं ना, उन ऑप्शंस के हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मीन एंड वेरिएंस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बराबर दिए गए। ये जो मीन होता है जिसको आप लैम्डा बोलते हैं, ये कितना होता है सर, ये आपको बताया गया था NP। तो N कितना है 200 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स के लिए 0.15। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है 3। सो जो ए ऑप्शन है मेरे पास, जो ऑप्शन है उनके हिसाब से, आपने जब वहां पर क्वेश्चन देखा होगा तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां ऑप्शन जो रहा होगा वो बी रहा हो, सी रहा हो, डी रहा हो, पर स्टूडेंट्स ने जो ऑप्शंस मुझे दिए उसके हिसाब से यहां पर बी ऑप्शन मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट बेटा अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं यहां पर, तो देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट, ये अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, ये क्या क्वेश्चन है, एक ग्राफ हमें दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किसका ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक्स ये आ गया वाई, -2, -4, 0, 2 एंड 4।
ये यहाँ से इसको हमने मिला दिया, इसको यहाँ से हमने मिला दिया, इसको यहाँ से हमने मिला दिया, इसको यहाँ से हमने मिला दिया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं यहाँ पे, अच्छा ऑप्शंस भी बताता हूँ। जो ऑप्शन है बेटा उसमें दिया गया मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड एक्स, मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड एक्स, मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स, 2 माइनस मॉड एक्स, मतलब इट में भी पॉसिबल कि थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस हुआ हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्राफ का इन्फॉर्मेशन है वो कैसा कैसे आपको अप्रोच करना था। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो ये होता है बेटा y बराबर x, और उसके बाद में जब आप अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ हो जाएगा आपके पास में y बराबर मॉड ऑफ x, y बराबर मॉड ऑफ x। उसके बाद में अगर आप अप्रोच करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा y बराबर माइनस ऑफ मॉड x। उसके बाद में अगर आप अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू 2 माइनस, मतलब 2 आपने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद में अगर आप कंप्लीट का मॉड ले लेंगे तो बेटा ये बन जाएगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड x। तो ये जो ग्राफ होना चाहिए ये बी ऑप्शन, मेरे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें बी ऑप्शन के हिसाब से ये आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। इट में भी पॉसिबल कि वहाँ पर कोई और ऑप्शन दिया गया हो, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना चाहिए था। अच्छा अब अगर मैं बात करूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स सॉरी प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, कुछ इस तरह का आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। साथ में ये बोला गया है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, वाई जब एक्स की वैल्यू 1 है तो 6 होगा, y डैश जब x की वैल्यू 1 है तो 2 होगा, और y जब x की वैल्यू 2 है तो आपको फाइंड करना है। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले तो आप यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, कुछ ही आयलर्स इक्वेशन है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, वो भी होमोजीनियस टाइप की है, y इक्वल्स टू जीरो। तो आपको बोला गया था x d को आप क्या पुट करेंगे यहाँ पे, वट एवर कोई भी नया एक टर्म आप पुट कर सकते हो, लेट से सपोज मैंने अल्फा पुट कर दिया, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा, आपको याद होगा मैंने थीटा पुट किया था तो मैं थीटा पुट कर देता हूँ आपके लिए, थीटा थीटा माइनस वन, तो इसे आप लिखेंगे थीटा थीटा माइनस वन प्लस थीटा माइनस वन बराबर जीरो। तो ये बन जाएगा बेटा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस वन बराबर जीरो। तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू आ रहा प्लस माइनस वन। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, जो y इक्वल्स टू में सॉल्यूशन आना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा c1 e टू द पावर प्लस वन, और इस बार x नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा z प्लस c2 e टू द पावर माइनस z। सर ये क्या किया आपने, z कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने इसके अंदर एक अजम्पशन लिया था, क्या अजम्पशन था, x इक्वल्स टू e टू द पावर z। सबसे पहले तो एक अजम्पशन आपको ये लेना था, अगर आपको याद हो तो एक अजम्पशन आपने ये लिया था। दूसरा अजम्पशन आपने क्या लिया था कि सर ये जो हमारे पास थीटा है ये कौन है, ये है d बाई डी जेड, तो x के रेस्पेक्ट में नहीं z के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आप कहेंगे सर z इक्वल्स टू मेरे पास में आ रहा है ln x, तो जब आप यहाँ वापस पुट करेंगे c1 e टू द पावर ln x प्लस c2 e टू द पावर माइनस ln x, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल्स टू x c1 प्लस c2 डिवाइडेड बाय x, कुछ ऐसा आ रहा होगा। तो जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 1 पुट किया, x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 6, तो ये आ गया 6 c1 प्लस c2, और जैसे आपने y डैश फाइंड किया तो ये आएगा c1
माइनस सी टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर वन जैसे ही पुट कर दिया, ये बन गया आपके पास में टू इक्वल्स टू सी वन माइनस सी टू। ये इक्वेशन नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर दो। इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, दोनों को जब ऐड किया तो ये बन गया टू सी वन इक्वल्स टू एट, सो सी वन इक्वल्स टू आ गया फोर। और इसको जब मैं पुट करूंगा बेटा तो सी टू इक्वल्स टू आ रहा है टू। तो फाइनली जो वाई आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है फोर एक्स प्लस टू बाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू अगर आप टू पुट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में वाई इक्वल्स टू एट प्लस वन नाइन। अगर सारा डेटा जो स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किया है वो सही है तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर होना चाहिए नाइन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगर मैं एक क्वेश्चन और बात करूँ यहाँ पर, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास में क्लोज कैसे हो गया ये, चलिए इसी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर बता देता हूँ। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ जेड ई टू द पावर माइनस के एक्स कॉस टू वाई माइनस आयोटा साइन टू वाई टू बी एनालिटिक वेयर जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एफ ऑफ जेड की अगर मैं बात करूं ई टू द पावर माइनस के एक्स कॉस टू वाई माइनस आयोटा ई टू द पावर माइनस के एक्स साइन टू वाई, यहाँ से के की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये आपको दिया गया है जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ये जो पोर्शन है ये आपका यू एक्स कॉमा वाई है और ये जो पोर्शन है इंक्लूडिंग माइनस साइन ये है वी एक्स कॉमा वाई। तो हमने कहा सर पहले यू एक्स पता कर लो, तो यू एक्स जब आपने पता किया होगा तो यह आया होगा माइनस के ई टू द पावर माइनस के एक्स कॉस टू वाई। फिर हमने कहा सर अब वी वाई पता कर लो, तो वी वाई जब हमने पता किया तो एक माइनस ऑलरेडी है, साइन टू एक्स का साइन टू वाई का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में कॉस टू वाई और एक टू भी आ जाएगा ई टू द पावर माइनस के एक्स आ जाएगा। तो एनालिटिक होने के लिए यू एक्स बराबर वी वाई होना ज़रूरी है, तो ऐसे में ये बन जाएगा माइनस के ई माइनस के एक्स कॉस टू वाई इक्वल्स टू माइनस टू ई टू द पावर माइनस के एक्स कॉस टू वाई। तो इसको देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं के की जो वैल्यू है वो आपके पास होनी चाहिए टू। तो डियर स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चंस थे जो मेरे पास में स्टूडेंट्स की साइड से आ गए थे जिनको मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी कोई भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से बाहर नहीं है। इवन जब आप क्लास नोट्स को देखेंगे जो मैंने आपको करवाए होंगे या बाकी जितने भी टीचर सभी सर ने आपको करवाए होंगे उन सब के अंदर क्वेश्चंस इससे दो लेवल ऊपर के ही करवाए गए हैं। तो अगर आप उनको बेहतर तरीके से सॉल्व करके गए होंगे तो नो डाउट वहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन आया होगा उसको आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद कर रहा हूं कि सॉल्यूशंस आपने डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे। मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। माय डियर इस सेशन में हम गेट 2023 के जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस के और बाकी सब्जेक्ट्स के वो हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर दीज आर जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन,
कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो हमको स्टूडेंट से बेसिकली मिले हैं, और उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आप एक बार आइडिया कर सकते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चंस आए थे, और अगर वो क्वेश्चन सही हैं तो आप अपने जो आंसर को क्लेरिफाई कर सकते हैं। यस, सो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से। सो माय डियर, अगर हम बात करें प्रोडक्शन से और एंड मटेरियल साइंस से, तो इस बार मटेरियल साइंस से 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इट मीन्स जो आपका मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है वो 4 मार्क का आया है। यस, और अगर मैं प्रोडक्शन से बात करूं तो शायद 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शन से आए हैं, जिसमें कि हम बात करें तो कास्टिंग से ओनली 1 क्वेश्चन आया है, वेल्डिंग से ओनली 1 क्वेश्चन आया है, बोथ आर द एमएसक्यू क्वेश्चन। और अगर हम फॉर्मिंग से बात करें तब भी आपका 1 ही क्वेश्चन आया है, मेट्रोलॉजी से बात करें तो 1 क्वेश्चन आया है। यस, एंड रिमेनिंग आर जस्ट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इन फ्रॉम द BLU CNC ऑटोमेशन से भी 1 क्वेश्चन आया है। तो हम एक बाई वन बाई वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनका करेक्ट सोल्यूशन क्या होने वाला है। क्लियर, तो हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल साइंस से, जो कि बेसिकली हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना। तो देखते हैं भाई क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या सॉल्यूशन उनके हो सकते हैं। 2 मार्क क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम द मटेरियल साइंस एंड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, द क्वेश्चन इज गिवन लाइक दैट फ्रॉम द मटेरियल साइंस। जस्ट रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन ये गिवन है आपको, क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइपोथेटिकल FCC मींस फेस सेंटर्ड मेटल इज √2/10 नैनोमीटर। क्लियर, फॉर द गिवन द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज 24.092 ग्राम पर मोल, टेकिंग द एवोगाड्रोस नंबर्स टू बी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 23 एटम्स पर मोल एंड आस्क दैट द डेंसिटी ऑफ द मेटल एट द किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यहां पे पूछा है कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेंसिटी ऑफ द मेटल। यस, सो वी जस्ट सी दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर थ्योरेटिकल डेंसिटी। यू नो रो इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, व्हाट इज द थ्योरेटिकल डेंसिटी। वी जस्ट से दैट सर इट इज जस्ट यू नो एटॉमिक वेट अपॉन यू नो द एवोगाड्रो नंबर, एटॉमिक वेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय व्हाट द नंबर ऑफ एटम, अपॉन वॉल्यूम, अपॉन व्हाट द वॉल्यूम ऑफ FCC क्यूबिक सेल। क्लियर, सो यहां पर हम देखें तो कुछ जो भी गिवन है उसको लिख देते हैं ताकि आपको बेसिकली जो क्वांटिटीज आपको फिल करने में आसानी होगी। तो देखते हैं भाई यहाँ पे अगर मैं एन की बात करता हूँ, अगर मैं माय डियर एवरेज नंबर ऑफ एटम की बात करता हूँ, जैसा क्वेश्चन में दिवन है आपको FCC, यस और नो, अगर FCC है तो आपको पता है भाई फेसेस पे 6 फेस है, 6 की 6 फेस पे आपके एटम होंगे और एक एटम 1/2 हिस्सा देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ क्या, अगर वन एन की बात करें तो मैं कह सकता हूँ क्या सर 1/2 × 6, यस, एंड प्लस कॉर्नर्स पे आपके 8 एटम है और एक कॉर्नर वाला एटम जो होता है वो 1 यूनिट सेल में अपना 1/8 हिस्सा देता है। तो मैं कह सकता हूँ क्या 1/8 × 8, सो यू नो n का वैल्यू हो गया आपका 4। n इज बेसिकली व्हाट द 4, एवरेज नंबर ऑफ एटम इज व्हाट द 4। यस, सो द नाउ द एटॉमिक वेट गिवन, एटॉमिक वेट इज व्हाट माय डियर, एटॉमिक वेट इज 24.092 ग्राम पर मोल। एटॉमिक वेट इज 24.092 ग्राम पर मोल, बट माय डियर प्लीज थिंक इट वेरी केयरफुली, द डेंसिटी ऑफ मेटल जो कि आपको निकालना है वो निकालना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो मैं इसको पहले से ही अगर किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे लिए आसानी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सर एरिया इज इक्वल टू 24.092 × -3 यू नो किलोग्राम पर मोल। वेरी फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट। If I talk about the Avogadro's number, you know, the Avogadro's number NAV is equal to, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है क्या लेना है भाई, इट इज 6.023 × 10^23। प्लीज थिंक ऑफ इट वेरी केयरफुली फॉर द यूनिट्स, इट इज जस्ट एटम्स पर मोल, इट इज जस्ट एटम्स पर मोल। यस, एंड नाउ द वॉल्यूम, यू नो दैट वॉट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, इट इज जस्ट a³। यस, इट इज जस्ट द a³। नाउ अगर मैं a²r रिलेशन की बात करूं फॉर FCC, अगर मैं FCC में a²r रिलेशन की बात करता हूं तो आप सभी लोग जानते हैं क्या, फॉर FCC, फॉर माय डियर FCC मैं कह सकता हूं क्या सर यहां पे a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू 2√2 सर r होता है। यस, a इज इक्वल टू 2√2 r होता है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं सर a की निकालूं वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 2√2
एंड R की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, R गिवन है रूट टू बाई 10 नैनोमीटर। यस, सो मैं कह सकता हूं क्या, टू रूट टू एंड रूट टू बाई 10, रूट टू बाई 10 मल्टीप्लाई बाय, अगर नैनोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना है, जस्ट मैं कर दूं क्या 10^-9। क्या क्लियर है यहां तक? सो मैं यहां पे कह सकता हूं क्या, a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 10^-10। सो यहां पे मैं यहां पे कह दूं इट इज जस्ट a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10^-10। यहां पे आ गया आपका a। अगर आपके पास में ये लेटेस्ट पैरामीटर आ गया है a, तो मैं कह सकता हूं क्या, वॉल्यूम हम निकाल पाएंगे जस्ट a क्यूब। नाउ अब हम सारी की जो हमने निकाल रखा है बेसिकली उसको हम यहां पे पुट कर देते हैं वेरी केयरफुली माय डियर। सो रो इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ एटम इज व्हाट, 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एटॉमिक वेट, इट इज जस्ट इन यू नो इन किलोग्राम पर मोल इज 24.092 10^-3। यस ना, अपॉन अगर हम बात करें एवोगाड्रोस नंबर, व्हाट इज द एवोगाड्रोस नंबर माय डियर, इट इज जस्ट 6.023 10^23। ओके, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम, ए क्यूब। ए क्या है भाई, ए 4 मल्टीप्लाई 10^-3। ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। सो अगर हमें इसका कैलकुलेशन करें इसका, सो रो इज व्हाट, इट इज जस्ट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना, बिकॉज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो, यस बिकॉज इट इज इन किलोग्राम एंड ए इज इन मीटर क्यूब, सो ए इज व्हाट इन यू नो मीटर। ये हो गया आपका ए, किस में हो गया, मीटर में हो गया। सो मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ पे जो आंसर आने वाला है जस्ट 2500 यू नो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना। आप अगर आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर ये आने वाला है, एग्जैक्ट आंसर 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यस और नो। Yes, this is the first question asked by the, you know, IIT Kanpur from the material science. ऐसा question ESC के prelims में भी आ चुका है previous year. तो not, you know, the hard question, not tough question, my dear. ऐसा question हमने class में भी कर चुके हैं. Yes, theoretical density निकालने का. ESC के prelims में, I think 2019 में ऐसा question आ रखा है. Clear? Same question आ रखा है, my dear. है ना, बस data इसमें change कर दिए थे उन्होंने. वहाँ पे number of atoms आपको पूछा था, है ना? वहाँ पे the average number of atoms आपको question में पूछा था, ठीक है ना? और यहाँ पे पूछ लिया कि density क्या होगी, है ना? तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. चलिए, इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मटेरियल साइंस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द मटेरियल साइंस, इसका आंसर हो गया आपका 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, इन आयरन आयरन कार्बाइड फेस डायग्राम फॉर एन एलॉय एट 1.5% कार्बन इज शोन इन फिगर, नो अदर एलोइंग एलिमेंट इन दिस. इट मीन्स ये बात कर रहा है प्लेन कार्बन स्टील का, जो कि हम पढ़ते ही हैं. This then the ratio of pro eutectoid cementite to total cementite is, देखो very very beautiful question my dear, है ना? यहाँ पे पूछा है कि ratio of pro eutectoid cementite to total cementite is, yes. अब ध्यान से देखें अगर, तो 1.5% अगर कार्बन है तो यही होगा, बहुत सिंपल सी बात है. इट इज जस्ट यू कैन से दैट इट इज हाइपर eutectoid स्टील, क्लियर ना? So, यहां पे पूछा है भैया आपको निकालना है प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड एंड टोटल सीमेंटाइड. अगर आप निकाल देंगे उसका रेशियो कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर, क्लियर? सो अगर आप देखें तो यहां पे कुछ वैल्यूज इन्होंने चेंज किए, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ यू नो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन एट द यू नो अल्फा फेज इज 0.025, पढ़ते हैं ना अपन अप्रोक्सीमेटली 0.022, यहां पे दिया है 0.035, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर दिया है तो अपन वो ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये हो गया आपका अल्फा, यस. एंड यूटेक्टोइड पॉइंट की बात करें तो यहां पे परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया रखा है आपको 0.8%, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है. आपको जो ओवरऑल कंपोजिशन है वो दे रखा है 1.5% कार्बन. द ओवरऑल कंपोजिशन यू हैव इज 1.5% कार्बन. नाउ माय डियर, इफ आई कैलकुलेट द प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड, सो यू नो अगर हम बात करें प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड का, सो आप सभी लोग जानते हैं वेरी केयरफुली, अगर हम यहां पे बात करें, इट इज बेसिकली व्हाट द A3 लाइन, एंड ये क्या है बेसिकली आपका ACM लाइन है. आप सबको पता है इट इज व्हाट द ACM इज व्हाट, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन फॉर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील. नाउ एट द 1.5% कार्बन, ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रोस्ट्रक्चर, इफ आई टॉक अबाउट द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, जो कि हमने क्लास में बात किया है, यस, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ इट्रेक्टेड स्टील, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हाइपो इट्रेक्टेड स्टील, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ हाइपर इट्रेक्टेड स्टील, एवरीथिंग यू नो वी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ, ओके. सो नाउ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो पता है ना आपको गामा दिखाई देता है, और जैसे ही यहाँ पे एंटर करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आपको प्रो यूटेक्टॉइड, जो ग्रेन बाउंड्रीज पे आपका प्रो यूटेक्टॉइड Fe3C- कह दूं, क्या इसको प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट प्लस आपको गामा दिखाई देता है. इट मीन्स अगर आपको प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट का वैल्यू निकालना है तो कहीं ना कहीं आपका जो लीवर पॉइंट आने वाला है, या मैं कहूँ आपको जो टाइलाइन आएगा, वो इस यूटेक्टॉइड लाइन से ऊपर आएगा. बहुत सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि सर हमारा, सपोज कीजिए हम इस कंपोजिशन पे ये मान लेते हैं आपका टाइलाइन, ओके, दिस इज वॉट माई डियर टाइलाइन, जस्ट अबाउ द यूटेक्टॉइड लाइन, बिकॉज अबाउ द यूटेक्टॉइड लाइन फेस विल अपियर क्लियर, एवरीथिंग दैट फेस विल अपियर नाउ. सो ये हो गया मेरा लीवर पॉइंट, दिस इज बेसिकली वॉट माई लीवर पॉइंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट. यस, सो दिस इज माई टाई लाइन, ये हो गया मेरा टाई लाइन जो कि मैक्सिमम टच कर रहा है, जो कि आपका है सीमेंटाइट, दिस इज वॉट द यू नो टोटल सीमेंटाइट दिस, ओके. सो यहाँ पर अगर बात करें इस पॉइंट का, तो मैं कह सकता हूँ कि सपोज दिस पॉइंट इज ओ, ओके, सपोज दिस पॉइंट इज माई डियर ओ, This is the point is A and this point is what the B. मुझे अगर प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट निकालना है तो मैक्सिमम कहाँ है भाई, इस तरफ है. तो अगर मैं लीवर रूल की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से लीवर रूल लगाऊँ फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेशन करेंगे प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट. तो यहां पे अगर देखें तो सीमेंटाइट इस तरफ है, क्लियर है कि नहीं, आपको देखना इस तरफ है, बताया था रूल आपको लीवर रूल का. सो यू नो व्हाट इज द मास फ्रैक्शन ऑफ प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, इट इज जस्ट Fe3C- इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, यहां पे नहीं देखना, यहां देखो भाई कितना है भाई, OA अपॉन टोटल टाई लाइन का लेंथ, टोटल इज व्हाट माय डियर AB. So what is pro eutectoid cementite is equal to OA. OA क्या है भाई, 1.5 minus 0.8 upon AB. AB is what, total tie length, it is 6.67 minus हो गया 0.8. This is what mass fraction of, yes, this is what my dear mass fraction of pro eutectoid cementite, yes or no. So I think the value is nothing but the 0.1192, okay, this is the, you know, mass fraction of pro eutectoid cementite, yes. Now the second question, if I want to find the ratio between the pro eutectoid cementite and total cementite, then I have to find the mass fraction of total cementite. Now so agar hum total cementite ki baat karne wale hain, okay, so agar hum baat kare total cementite ka, next is what the total cementite, agar hum baat kare total cementite ka, so aap sabhi log jante hain जैसे ही यूटेक्टॉइड लाइन से नीचे आएंगे तो आपका बनने वाला है गामा विल नॉट अपियर. अरे बोलो भाई, गामा विल नॉट अपियर बिलो द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर. गामा इज कन्वर्टेड टू परलाइट, यस. सो इफ आई जस्ट मूव डाउन टू द यूटेक्टॉइड टेम्परेचर, देन गामा इज विल नॉट अपियर. गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट, परलाइट, यस. सो गामा इज कन्वर्टेड टू परलाइट एंड एट दिस स्ट्रक्चर, यू नो वॉट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर वी हैव. यहाँ पे हमारे पास कैसा बनता है माइक्रोस्ट्रक्चर भाई, बताओ, Fe3C- प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट प्लस बनता है आपका परलाइट, यस. सो जस्ट इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल सीमेंटाइट, देन माई टाइलाइन, बिकॉज हमें टोटल सीमेंटाइट फाइट करना है, तो हमारी टाइलाइन क्या होगी भाई, यहाँ पे ये होगी हमारी टाइलाइन, इट इज जस्ट माई टाइलाइन, ओके. And again, this is my lever point. Okay, again, this is my lever point. It is the maximum cemented is 6.67%. And you know, alpha is what? 0.035%. Clear? Ye ho gaya mera basically lever point. Dhyan rakhiyega. Total cementite find karne ke liye, mera jo basically tie line hoga, wo kahan hoga? Eutectoid se niche hoga. Yes? Because, yahan pe hi to aapka total cementite milne wala hai. Yes? Because, yahan pe kya banne wala aapka? Perlite plus pro eutectoid cementite. Perlite mein bhi cementite hai. बोलो क्लियर है कि नहीं, उसे बोलते हैं अपन यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, यस. ये सब बातें क्लास में हम कर चुके हैं वेरी केयरफुली. सो आवर लीवर पॉइंट इज लाइक दैट. सो यू नो
अगर हम बात करना चाहें टोटल सीमेंटेड का, वही सेम रूल लगाना है। मैं अगेन मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूं यहां पे। अगर मैं पॉइंट मानना चाहूं, सपोज दिस इज अ ए, दिस इज अ बी पॉइंट, दिस इज अ बी पॉइंट, ओके, दिस इज योर सी पॉइंट, दिस इज योर डी पॉइंट, ओके, सेकंड टाई लाइन, सपोज दिस इज अ सी पॉइंट, दिस इज अ सपोज सी पॉइंट हो गया, इसको मान लीजिए आप डी पॉइंट, ओके, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और ये हो गया आपका ई पॉइंट। नाउ अगर टोटल सीमेंट हेड निकालना है, मेरा लीवर पॉइंट ये है, तो मैं कह सकता हूं क्या सीमेंट हेड इस तरफ है, लेना इस तरफ होगा। सो यू नो द टोटल सीमेंटाइट, यू नो द टोटल सीमेंटाइट कितना होगा बताओ भाई, टोटल टोटल सीमेंटाइट इज इक्वल टू, यहां पे देखना, यहां आपको देखना यहां पे, बिकॉज सीमेंट हेड इस तरफ है, यही बोलता है लीवर रूल। सो टोटल सीमेंट इज इक्वल टू वॉट, ये होगा आपका सी डी, है ना, सी डी अपॉन टोटल टाई लाइन का लेंथ इज वॉट द सी ई। So Fe3C is equal to, it is total cementite, कितना हो रहा है भाई, CD value, CD is what, 1.5 minus 0.035, हाँ सर हम जनरली आयरन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम में इसको 0.022 लेते हैं, कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन में अगर दिया है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 0.035 ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। नाउ अपॉन टोटल टाई लाइन का लेंथ, टोटल टाई लाइन का लेंथ कितना हो गया भाई, 6.67 minus 0.035। तो यहां से अगर हम देखें, यहां से देखें अगर अपन, सो व्हाट विल बी द टोटल सीमेंटाइट इज नथिंग बट 0.2207। क्वेश्चन ने पूछा है भाई आपको रेशियो निकालना है, एस प्रो इटेक्टेड सीमेंटाइट एंड यू टेक्टेड सीमेंटाइट का, इफ यू वांट टू फाइंड द रेशियो देन व्हाट विल बी द रेशियो, देन व्हाट विल बी द रेशियो। सो यहां पर अगर हम बात करें तो रेशियो की बात करें, सो जस्ट एफ ई थ्री सी डैश बाई एफ ई थ्री सी, यस एफ ई थ्री सी डैश बाई टोटल सीमेंटाइट एफ ई थ्री सी, यहाँ पे रेशियो आ रहा है आपका जस्ट 0.1192 अपॉन 0.2207, तो यहाँ पे हो गया अप्रोक्सीमेटली 0.53 विल बी द करेक्ट आंसर, 0.53 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। सो दिस इज टू मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द मटेरियल साइंस, ये दो क्वेश्चन जो थे आपके आए थे फ्रॉम द मटेरियल साइंस, वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर, हाँ ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको पढ़ने की जरूरत होती है, यस बिकॉज द प्रीवियस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, बट दिस इज कॉन्सेप्ट बेस्ड, ओके। सो हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं लीवर रूल से किए हैं इन द क्लासरूम इटसेल्फ, हमने कॉपर निकल फेज डायग्राम, हमने यू नो लीड टिन फेज डायग्राम, और तो और आयरन आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम भी हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस में, जो कि हमने क्लासरूम में किया था, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था सर्विसेज मेंस में, जो कि हमने क्लासरूम कोर्स में भी किया था, यस। सो दिस इज द टू क्वेश्चंस फ्रॉम द मटेरियल साइंस, नाउ प्रोसीड टू द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यस। नाउ फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द कास्टिंग, यस कास्टिंग से ओनली एक क्वेश्चन पूछा गया है ऑफ द वन मार्क, हाँ बाय द वे दीज मटेरियल साइंस क्वेश्चंस आर फॉर टू मार्क्स, ओके, सो 2+2 = 4 मार्क्स आर क्वेश्चंस फ्रॉम द मटेरियल साइंस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, यस वी जस्ट हम स्किप करते हैं इसको पढ़ना, लेकिन ध्यान रखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है आईआईटी कानपुर ने इसको इससे पूछ लिया है, तो ना ध्यान रखिएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द जस्ट कास्टिंग, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इन सब में से एमएस के क्वेश्चन इज देयर, एमएस के क्वेश्चन इज देयर, सो पूछा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर करेक्ट की बात करें तो पहले पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या है, माउल्ड इज यूज टू मेक पैटर्न, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वॉट, माउल्ड इज मेक टू यूज पैटर्न, सॉरी माउल्ड इज यूज टू मेक पैटर्न, ध्यान रखिएगा, पैटर्न इज यूज टू मेक द माउल्ड कैविटी, मोल्टन मेटल इज अ कॉन्टेक्ट विद द माउल्ड कैविटी, एंड यू नो डी स्टेटमेंट इज मोल्टन मेटल कम इन कॉन्टेक्ट विद द पैटर्न। देखिए इट इज जस्ट अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन को, यहां पे कोई भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस कास्टिंग की बात चल रही है, सैंड कास्टिंग का चल रहा है, या फिर मैं कह सकता हूँ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस लाइक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, फुल मोल्डिंग का चल रहा है, ऐसा कुछ मेंशन अगर आपको एग्जाम में किया है, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन माय डियर, देखना चाहते हैं भाई, यहां पे देखो अगर मैं सैंड कास्टिंग से बात करूं, अगर मैं ओनली यहां पे सैंड कास्टिंग से बात करता हूं, ठीक है, बिकॉज यहां पे कोई भी स्पेशल कास्टिंग मेंशन नहीं किया है, मैं दोनों ही आंसर आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू दैट, जैसा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो आप उसको गेस कर सकते हैं, क्लियर। सो ओनली अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सैंड कास्टिंग, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वॉट, माउल्ड इज यूज टू मेक अ पैटर्न, बी स्टेटमेंट इज वॉट, पैटर्न इज यूज टू मेक द माउल्ड कैविटी, यस स्टेटमेंट नंबर बी इज करेक्ट, यस अकॉर्डिंग टू सैंड कास्टिंग।
पैटर्न इज यूज, है ना, पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी. हम क्या करते हैं भाई, बेसिकली पैटर्न रखते हैं, पैटर्न को उसके ऊपर हम सैंड मोल्ड, बेसिकली सैंड मोल्ड प्रेमिंग करते हैं, उल्टा करते हैं डेक बॉक्स को, और जैसे ही पैटर्न हम रिमूव करते हैं वहां पे क्या बनता है, आपका कैविटी बनता है. इज दैट क्लियर? सो जो बी स्टेटमेंट है, पैटर्न इज यूज, यस ना, पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, पैटर्न इज यूज टू मेक द मोल्ड कैविटी, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. Mold is used to make pattern. No. अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ sand casting का, ठीक है, फिर मैं आगे और बात करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है. So B option अभी तक यहाँ पे clear है from the sand casting. Molten metal is a contact with the mold cavity is very clear, because if you remove the pattern from the mold, then cavity will be there and molten metal will be pour into the cavity itself, and after solidification you will get your casting. Yes, it is just a casting process. So molten metal is a contact with the mold cavity, absolutely correct sir, from the sand casting it is absolutely correct. D option is molten metal come in the contact with the pattern. Again, I am talking about the sand casting, then it will not correct, because yeah, they have molten metal come in contact with the pattern. Molten metal come in contact with the pattern. No, अपन pattern को बाहर निकाल देते हैं. Again, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं sand casting के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो according to sand casting, B and C options are correct. Now, अगर थोड़ा सा इसको अपन advance से देखें, 10 बजे. Mold is used to make pattern. In investment casting, देखिए question, it is just memory based question, so please think it very carefully. In investment casting, you know, हम जो कहीं ना कहीं mold prepare करते हैं from the wax itself, you know, wax का pattern इस्तेमाल करते हैं, you know, wax का हम pattern बनाते हैं. Yes, it is just a pattern made up by the wax in the investment casting. अब जो आप pattern basically बना रहे हैं, pattern जो बना रहे हैं आप wax से, वो कैसे बनाते हैं भाई? हम permanent mold का इस्तेमाल करते हैं. एंड हाई प्रेशर डाई कास्टिंग से आप इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के पैटर्न बनाते हैं, या फिर आप सेंट्रीफ्यूजिंग से इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के पैटर्न बनाते हैं. आप सबको पता होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मोल्ड इज यूज टू मेक पैटर्न, परमानेंट मोल्ड. यस, हमने अभी कहा है इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात करें तो हाउ टू मेक द पैटर्न इन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, how to make the pattern investment casting, we know that in investment casting the pattern are basically made up of what, high pressure die casting or the centrifuging. In high pressure die casting or in centrifuging we use the permanent mold. Is that clear na? We use the permanent mold. Yes, so according to investment casting this option is also correct. According to what my dear? According to investment casting. Now, the last statement is molten metal come in contact with the pattern. You know, according to full molding, just call the cavityless molding, just call the evaporative molding. Yes, in full molding, we just made the pattern by the polystyrene. Yes, तो उस केस में क्या करते हैं अपन, फुल मोल्डिंग में डायरेक्टली ही molten metal को pour करवाते हैं. Is that clear? Pattern को निकाले बिना. तो जैसे ही directly molten metal को pour कराएंगे, then molten metal will come into the what, pattern. और वो pattern क्या होगा? आपका evaporate होगा. Yes, polystyrene pattern. और जो आपका cavity है, वो molten metal से बढ़ जाएगा. So according to full molding, this statement is also correct. Yes, according to full molding, this statement is also correct. Clear not? So चारों ही option क्या है? अगर करेक्ट इसलिए होते हैं अगर आपको कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं दे रखी है. अगर आप ओनली सैंड कास्टिंग की बात करते हैं तो बी एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट. अगर आप टोटल कास्टिंग की बात करते हैं माय डियर, है ना, जितने भी कास्टिंग है, तो सर चारों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा. जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, अगर यही क्वेश्चन दिया हो तो आप ओनली सैंड कास्टिंग मान के इसे कर सकते हैं. देन योर आंसर विल बी बी एंड सी. ओके, देन योर आंसर विल बी बी एंड सी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो वी कैन थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट 1 mark क्वेश्चन आज फ्रॉम द कास्टिंग, ओनली 1 mark. हम तो कास्टिंग कितना बड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, जैसा पूछा, ठीक है, ओनली 1 mark क्वेश्चन आज फ्रॉम द कास्टिंग. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज जस्ट अगेन, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द वेल्डिंग. इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ वेल्डिंग नो मेल्टिंग ऑफ टू सर्फेसेज इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द जॉइंट. नो मेल्टिंग,
देयर इज नो मेल्टिंग ऑफ द मोल्टन, नो मेल्टिंग ऑफ द बेस मेटल. बेसिकली बात तो ये है. तो ना टू सर्फेस को हमें अगर ज्वाइन करना है, इफ़ वी वॉन्ट टू ज्वाइन द टू सर्फेसिस, देन इन यू नो फ्यूजन वेल्डिंग टेक्निक वी हैव टू मेल्ट द टू सर्फेसिस ऑफ द वर्क पीस. यस. सो इन आर्क वेल्डिंग, बट ऑब्वियसली सर, इन आर्क वेल्डिंग इट इज द फ्यूजन वेल्डिंग टेक्निक. यस, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग टेक्निक. सो इन दिस आर्क वेल्डिंग वी हैव टू मेल्ट द टू सर्फेसिस ऑफ द मेटल. तो सर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मतलब ये बिल्कुल सही है. आर्क वेल्डिंग जो है हम उसमें बेसिकली मेल्टिंग करते हैं. तो आपको नॉट पूछा है तो ये आंसर तो नहीं होगा. यू नो इन द ब्रिज वेल्डिंग, हाँ यस सर, इन द ब्रिज वेल्डिंग देर इज नो नीड ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द बेस मेटल. हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कुछ फिलर मेटल होता है जिसे बोलते हैं अपन स्पेल्टर. यस, और स्पेल्टर को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ यू नो गैस टॉर्च, है ना, विद द हेल्प ऑफ गैस टॉर्च हम उसे मेल्ट करते हैं और गैप को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. यस, सो इन ब्रिज वेल्डिंग देर इज नो नीड ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ द वर्क पीसेस. यस. And C, adhesive bonding. Yes, in adhesive bonding, just you know, solid state bonding process, we use some kind of adhesive between the two work pieces. So yes, sir, there is no requirement of the melting. So spot welding, no sir, it is just a distance welding process. There is melting and nugget will be formed. You know that all the process of the distance welding. So no, so there is a welding. Okay, there is a melting of the, you know, there's a fusion welding technique. So ye bhi nahi hoga, ye bhi nahi hoga. So means नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है तो आपका बी एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. नॉट पूछा है तो बी एंड सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. जस्ट सिंगल वन मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द वेल्डिंग अकॉर्डिंग टू द मेमोरी बेस्ड. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेटल कटिंग. यस, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द माई डियर मेटल कटिंग. सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. देखते हैं मेटल कटिंग से क्या क्वेश्चन पूछा है. तो यहां पर अगर देखें, सो इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन, वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर, वेरी इजी क्वेश्चन. कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, कई सारे इवन और जो 50 मार्क्स एंड 50 डेज जो सीरीज हुई थी माय डियर, अभी रिवीजन कोर्स चला था 15 से 18 दिन, यू नो उसमें भी हमने लगभग सारे ही टाइप के क्वेश्चन किए हैं. अगर आप ऑब्जर्व करें उन पर्टिकुलर सीरीज को, जिसने भी सीरीज देखा है अभी भी जाके देख सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन जो है हमने उस पर्टिकुलर सीरीज में कवर किए हैं. क्लियर. नाउ इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्जर्व्ड. कुछ डाटा आपको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं. कटिंग स्पीड, यस, मैं जो डाटा लिखा है मैं इसको लिख देता हूं यहां पे एक बार. कटिंग स्पीड जो गिवन है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, कटिंग स्पीड, यस, कटिंग स्पीड इज व्हाट, v is 1 मीटर पर सेकंड. यस, v is 1 मीटर पर सेकंड. यस ना, कटिंग स्पीड एंड ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल. यस, ऑर्थोगोनल रेक्टेंगल इज व्हाट, अल्फा. अल्फा इज व्हाट माय डियर, अल्फा इज 5 डिग्री. यस, अल्फा इज 5 डिग्री. Shear angle, yes, shear angle given है, just a memory question my dear. Phi is equal to 45 degree, okay, no issue. And given that thickness of primary shear zone, thickness of primary shear zone is 25 micron में given है. अगर मैं आपको mm में निकालना है तो नहीं, यहाँ पे मीटर में दे रखा है कटिंग स्पीड, तो मैं मीटर में निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है. मल्टीप्लाई बाय 10^-6 है ना, ये हो गया आपका इन मीटर. शियर स्ट्रेन रेट पूछा है, वॉट इज द फॉर्मूला फॉर शियर स्ट्रेन रेट. इट इज जस्ट माई डियर शियर वेलोसिटी अपॉन द थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन. यस, सो वॉट विल बी द शियर स्ट्रेन रेट, अगर हम बात करें शियर स्ट्रेन रेट, सो वॉट विल बी द शियर स्ट्रेन रेट इज इक्वल टू वॉट, VS, शियर वेलोसिटी अपॉन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन. ओके, सो यहां पर अगर बात करें, सो यू नो वॉट इज द वैल्यू ऑफ VS, वी हैव टू फाइंड द VS. बस एक ही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, VS फाइंड करना है और कुछ करना ही नहीं क्वेश्चन में, बिकॉज डेटा डी आपको गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू द वक्री ट्राइंगल हम कह सकते हैं क्या, VS इज इक्वल टू V cos alpha upon cos phi minus alpha. यही होता है ना, VS is equal to V cos alpha upon cos phi minus alpha. Yes, तो VS का वैल्यू यहां पे हो गया, what is the VS is equal to V, cutting speed given 1 multiply by cos alpha is what 5 degree upon cos phi minus alpha. 545 minus alpha 5 is what 40, cos 5 upon cos 40. So यहां से देखिए तो VS का वैल्यू आपका आना चाहिए 1.30 meter per second. Just put in the shear strain rate.
सो गामा डॉट लगा दूं अगर मैं, सिस्टम रेट इज इक्वल टू वी एस इज 1.30 अपॉन डेल्टा टी. डेल टी किस में आएगा भाई, ये देखो भाई 25 मल्टीप्लाई पर माइनस 6 यस ना, इन जस्ट इन 1.30 मीटर पर सेकेंड और इट इज इन मीटर. सो मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे क्या होने वाली है आपकी 1/सेकेंड, सेकेंड यूनिवर्स आने वाली है और सेकेंड यूनिवर्स में ही आपको क्वेश्चन में पूछा है. यस देन व्हाट द आंसर, व्हाट द आंसर यू विल गेट, गामा इज गामा डॉट इज इक्वल टू 5.2 10 टू द पावर माइनस 4 अप्रोक्सीमेटली इन 1/सेकेंड. दिस इज द आंसर, दिस इज द माय डियर आंसर. ओके दिस इज द आंसर. ओके जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपको एनएटीम पूछा हो या फिर एमसीक्यू पूछा हो, देख लेना आप दिस काइंड ऑफ यू नो सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, है ना, अगर शीयर स्ट्रेन रेट पूछा है तो. जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन, टू मार्क क्वेश्चन माय डियर, वेरी इजी क्वेश्चन, टू मार्क क्वेश्चन, शीयर स्ट्रेन रेट ओनली गिवन टू शीयर स्ट्रेन रेट माय डियर, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वीएस, है ना, शीयर स्ट्रेन निकालनी थी और आपको कुछ भी नहीं यहां पे फाइंड करना था, वेरी इजी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नाउ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द सीएनसी, लाइक जस्ट बीएलयू क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन माय डियर. ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं और क्लास में बताया था भाई बीएलयू क्वेश्चन आएगा और हमने हमारे जो 50 मार्क्स एंड 50 डेज सीरीज है उसमें भी हमने पूरा एक लेक्चर जिसमें 10 क्वेश्चन हमने बीएलयू के किए थे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी थे. तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत हलवा होने वाला है. देखिए भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉर 100 mm मूवमेंट ऑफ अ टेबल द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड. स्टेप मतलब क्या, पल्स. स्टेप मतलब क्या हो गया भाई, स्टेप मतलब हो गया आपका पल्स. यस स्टेप्स का मतलब हो गया आपका पल्स. सो यहां पर अगर हम बात करें, सो इट इज जस्ट जस्ट लीड स्क्रू, इट इज मोटर, 50 स्टेप्स. व्हाट इज 50 स्टेप्स माय डियर, 50 स्टेप मींस 50 पल्स. अगर 50 पल्स यहां से आ रही है, प्लीज थिंक इट, अगर 50 पल्स यहां से आ रही है तो यहां पे एक रिवॉल्यूशन ले रहा है कौन, लीड स्क्रू. अगर एक रिवॉल्यूशन लेगा लीड स्क्रू तो आपका जो टेबल है कितना मूव करेगा भाई, इक्वल टू पिच. सुनो तो यू नो क्वेश्चन में ही गिवन है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है भाई कि भाई 50 स्टेप. इसका मतलब क्या होगा भाई, अगर 50 पल्स आ रहा है, अगर 50 पल्स आ रहा है फ्रॉम द यू नो पल्स जनरेटर, तो यहां पे जो लीड स्क्रू है वो एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है. अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा तो यू नो लीनियर मूवमेंट कितना होगा भाई टेबल का, इट इज जस्ट इक्वल टू पिच. सो मैं कह सकता हूं कि इट इज जस्ट इक्वल टू 5 mm. तो यहां से मैं कह दूं क्या सर, 1 mm लीनियर मोशन हो रहा है 10 पल्स में, वेरी इजी. 1 mm देखो 5 mm हो रहा है बेसिकली 50 पल्स में, तो मैं कह सकता हूं क्या सर 1 mm हो रहा होगा कहीं ना कहीं 10 पल्स में. यस yes, क्वेश्चन पूछा है भाई 100 mm मूवमेंट. यस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द 100 mm मूवमेंट. सो अगर यहां पे मैं कह सकता हूं क्या 1 mm मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द 10 पल्स, सो यू नो 100 mm मूवमेंट किस में होगा भाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 1000 पल्स. आई थिंक जस्ट वन मार्क क्वेश्चन, 1000 पल्स, वेरी इजी, जस्ट वन मार्क क्वेश्चन. ओके वेरी इजी, सो इट इज जस्ट 1000 पल्स. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द BLU, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम द माय डियर BLU. यस सो दिस इज द क्वेश्चन, 1000 पल्स इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द मेटल फॉर्मिंग, क्वेश्चन फ्रॉम द मेटल फॉर्मिंग. क्वेश्चन इज लाइक दैट, इग्नोरिंग द स्मॉल रीजन द ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन वेरिएशन ऑफ मटेरियल बियॉन्ड द यील्डिंग, बियॉन्ड द यील्डिंग, यस और नो, बिकॉज इन मेटल फॉर्मिंग जस्ट बियॉन्ड द यील्डिंग बात हो रही होगी. द ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस इक्वेशन इज लाइक दैट. ओके द ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेशन ट्रू स्ट्रेन इक्वेशन इज जस्ट लाइक दैट. इट इज जस्ट वॉट, सिग्मा टी इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पे, है ना, सिग्मा टी ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू वॉट, के ई टू द पावर एन. ई क्या है, ट्रू स्ट्रेन है, बट ऑब्वियसली की पावर 0.3, की पावर 0.3 मेगा पास्कल. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है और पूछा है, और पूछा है द इंजीनियरिंग अल्टीमेट स्ट्रेंथ, नॉट ट्रू, पूछा है क्वेश्चन में द इंजीनियरिंग अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ, मींस आपको इंजीनियरिंग अल्टीमेट, इंजीनियरिंग अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको पूछा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें भाई इंजीनियरिंग अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करना चाहें तो यहां पे अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की निकालता हूं वैल्यू, और अगर बात की है अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ का, तो ये बात चल रही है कहां पे, नेकिंग पॉइंट पे,
अरे बोलो क्लियर है कि नहीं। अगर बात चल रही है अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ का, तो जस्ट टॉकिंग अबाउट द रैकिंग पॉइंट मैक्सिमम लोड कंडीशन, एंड यू नो दैट एट मैक्सिमम लोड कंडीशन या एट अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ n is equal to e। हमने क्लास में डेरिवेशन भी किया है इसका, हमने क्लास में डेरिवेशन भी किया है कि कैसे n is equal to e होता है at the maximum load condition। Means stern hardening, you know, stern hardening exponent is equal to what my dear, true strain, yes। So at maximum, because question में ही given है the ultimate tension, बताओ strength। Now यहाँ से अगर देखें तो sigma t का value क्या आएगा, what is the true stress? So true stress value is my dear 400 e का वैल्यू कितना होगा भाई, n के बराबर, n है आपका 0.3, तो 0.3 की पावर 0.3, तो यहां से जो ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू आ गया, दिस इज 278.738 मेगा पास्कल। ये आ गया वैल्यू किसका, अल्टीमेट ट्रू स्ट्रेस का, ये किसका वैल्यू आ गया, अल्टीमेट ट्रू स्ट्रेस का। बट क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्वेश्चन में पूछा है इंजीनियरिंग बताओ भाई, यस और नो, तो आप जानते हो ना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस। तो मैं कह सकता हूं क्या, व्हाट विल बी द रिलेशन, वी कैन नो दैट सिग्मा टी मतलब ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, ट्रू स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट, यू नो इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये होता है ना, क्लियर। ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, हमें निकालना ये है, सिग्मा ई निकालना है, इट इज व्हाट इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जो क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो अगर मैं निकालूं तो सिग्मा टी की वैल्यू गिवन है 278.738 इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है, दिस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। नाउ व्हाट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, सर यहां पे तो आपको ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है 0.3, तो वी हैव टू फाइंड द इंजीनियरिंग स्ट्रेन। सो यू नो अगर इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकाले और आपके पास ट्रू स्ट्रेन गिवन है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन। हम जानते हैं भाई जो आपका ट्रू स्ट्रेन होगा, जो ट्रू स्ट्रेन होगा इज इक्वल टू व्हाट, ln 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये होता है ना। तो यहां से देखें तो ई टी का वैल्यू हम पता है सर, जो ट्रू स्ट्रेन है उसका वैल्यू हमें पता है, दिस इज 0.3 इज इक्वल टू ln 1 प्लस ई, हमें ई मीन्स इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू हमें पता करना है। सो यहां से अगर देखें तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू, यू नो ई की पावर कितना 0.3, एक्सपोनेंशियल 0.3, तो यहां से अगर देखें सो 1 प्लस ई का वैल्यू देखें तो ये आ गया 1.349। सो यहां से डायरेक्टली अगर मैं 1 प्लस ई का वैल्यू निकाल दूं तो यहां पे क्या आएगा भाई, जस्ट अगर मैं यहां पुट कर देता हूं वैल्यू इसका 1 प्लस ई का 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का, सो इट जस्ट 1.349। तो हम कह सकते हैं क्या, व्हाट इज द इंजीनियरिंग अल्टीमेट इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज व्हाट 2.278.738/1.349। सो योर आंसर विल बी इट इज सिग्मा इज इक्वल टू 206.62 मेगा पास्कल। ये हो गया आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे यहां तक करके भूल जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली सिग्मा टी है, ये ट्रू स्ट्रेस है माय डियर, ओके। क्वेश्चन ने पूछा है इंजीनियरिंग अल्टीमेट टेंशन स्ट्रेंथ, तो प्लीज थिंक इट वेरी केयरफुली माय डियर, क्लियर। तो वी हैव टू फाइंड द सिग्मा टी रिलेशनशिप, सो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू व्हाट, इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। इंजीनियरिंग स्ट्रेन निकालने के लिए हमें पता है भाई ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, इज इक्वल टू ln 1 प्लस ई, तो वहां से हमने निकाला, पुट कर दिया, देन वी हैव फाइंड द वेल लाइक 206.62। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन एक बार 2015 में गेट में भी आ चुका है, ठीक है ना, वो भी हमने कर रखा है इन द आवर क्लासरूम कोर्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यस, इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द मेट्रोलॉजी एंड वेरी इजी क्वेश्चन। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा था, हम उसकी बात करने वाले हैं। 12 नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन माइजर, 12 नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर इन ईच स्लिप गेज एंड वेवलेंथ गिवन है 0.5, वेवलेंथ इज व्हाट माय डियर,
वेवलेंथ इज 0.5 माइक्रोन, यस वेवलेंथ इज 0.5 माइक्रोन, डिस्टेंस बिटवीन ओके, यहां पे बोल रहा है कि जो फ्रिंजेस आपकी बन रही है, फ्रिंजेस इज व्हाट, यहां पे जो फ्रिंजेस बेसिकली पर एक जो स्लिप गेज पे आ रही है ना, आपको पता है इट इज व्हाट द स्लिप गेज, ये आपका स्लिप गेज एक स्टैंडर्ड मान लो, एक गिवन मान लो ना, तो इसके बीच में जो भी गैप होने वाला है, इन वेरी वेरी लेस गैप माय डियर, ऑब्जर्व बाय द इंटरफेरोमेट्री विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल यू नो फ्लैग, हमने बात की थी क्लासरूम कोर्स में, सो इट इज अ स्लिप गेज, इट इज स्लिप गेज, यहां पे स्लिप गेज का आपको दिया होगा लेंथ ना, इट इज 15, ये गिवन है आपको 15, एंड दोनों ही स्लिप गेज के बीच में डिस्टेंस कितना है 45 mm, ओके, सो आई कैन से दैट, एंड 12 नंबर ऑफ फिंजेस आर अपीयर ऑन द वन स्लिप गेज, वही हमें चाहिए, यस, एंड पूछा है डिफरेंस बिटवीन द स्लिप गेजेस, सो हमें ये निकालना है ना कितना डिफरेंस होगा स्लिप गेज के बीच में, सपोज इट इज डेल्टा एच, हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, और इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने डेरिवेशन भी किया है इन द क्लासरूम कोर्स, हमने दो ट्राइंगल ऑब्जर्व किए थे आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ टू ट्राइंगल्स हम यहाँ पे दो ट्राइंगल माने थे, और उसके अकॉर्डिंग हमने डेल्टा एच की वैल्यू फाइंड किया था ना, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर आपको याद हो तो, ठीक है, सो दोनों ट्राइंगल की हेल्प से सपोज कीजिए मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ 45 है, टू स्लिप गेज के बीच का डिस्टेंस है, इसे मान लेता हूँ मैं के, सपोज इट इज व्हाट द के माय डियर, यस सपोज इट इज व्हाट द के, सो ये हो गया आपका एल, इसे बोलते हैं अपन एल, है ना, स्लिप गेज का बेसिकली जो हाइट है, सो माय डियर व्हाट इज द फॉर्मूला डेल्टा एच, क्या होता है भाई बताओ भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट माय डियर, एन लैम्डा बाय टू, एंड दिस इज जी बाई, दिस इज व्हाट द एन लैम्डा बाय टू के बाई एल, एन लैम्डा बाय टू के बाई एल, ओके, सो व्हाट इज द एन, एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन ईच स्लिप गेज, यू नो इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है जो हमने किया था, वहां पे दोनों ही स्लिप गेज चिपके हुए थे, मींस इन दैट क्वेश्चन जी इज इक्वल टू एल, और वहां पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको पूछा था ऑन द ईच स्लिप गेज, यस वहां पे ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा था अगर आपको याद हो तो, है ना, और हमने क्लासरूम कोर्स में भी किया था, सो दैट इज डेल्टा एच, डिफरेंस बिटवीन स्लिप गेज इक्वल टू व्हाट, n, n is what my dear, number of fringes is what 12, जो कि इसके ऊपर आ रही है इस स्लिप गेज पे, एक स्लिप गेज पे, मल्टीप्लाई बाई लैम्डा इज 0.5, अगर मैं mm में कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई नंबर माइनस 3 कर दूं क्या, माइक्रोन को कन्वर्ट करता हूं मैं mm में, यस, एंड अपॉन 2 हो गया, एंड k इज व्हाट, टू स्लिप गेज के बीच डिस्टेंस जो है वो k है, क्लियर, इट इज जस्ट 45, एक स्लिप गेज की शुरुआत से दूसरे स्लिप गेज की शुरुआत का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं अपन के ना, सब कुछ चीजें हमने क्लासरूम डिस्कस किया है, सो दिस इज के, एंड के इज व्हाट 45, एंड अपॉन एल, एल इज व्हाट 15, एल इज व्हाट माइनस 15, एंड इफ यू कैलकुलेट डेल्टा एच इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ mm, एंड इट इज 9 माइक्रोन, इट इज माय डियर 9 माइक्रोन, आंसर इज देयर, सो तो अगर माइक्रोन पूछा है देन योर आंसर विल बी 9, अगर माइक्रोन पूछा है देन योर आंसर विल बी 9, अगर माइक्रोन ने पूछा है देन योर आंसर विल बी 9, ओके, ओके, इफ इट इज आस्क इन माइक्रोन देन आंसर विल बी 9, चलिए, सो कम टू द नेक्स्ट वन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपने नोट्स रिवाइज किए हैं तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया था, और इसका डेरिवेशन भी हमने किया था कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है, मैंने कहा भी था इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, थोड़ा सा लग रहा होगा बोरिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, तो ये बातें हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन इज व्हाट माय डियर, द पार्ट इज प्रोड्यूस्ड एज गिवन बिलो बाय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एंड नोजल डायमीटर इज गिवन, दिस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन माय डियर, हो सकता है कुछ डाटा में चेंज हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, है ना, तो नोजल डायमीटर इज गिवन इज ए बाई 10 mm, एंड फीड रेट थ्रू द नोजल इज ए बाई 5 mm पर मिनट, फाइंड द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द दिस पार्ट, अब देखिए भाई यहाँ पे कुछ और गिवन नहीं है, अगर टाइम टेकन पूछा है तो यू नो अगर हम बात कर लें कि पूरा वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपका यू नो mm क्यूब में, यस वॉल्यूम इज व्हाट इन mm क्यूब, और जस्ट अगर हम यूनिट मैच करने की कोशिश करते हैं, सो अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, यस ना, अगर हम वॉल्यूम निकाल लें तो वो आ जाएगा mm क्यूब में माय डियर, और यहाँ पे नोजल का फीड रेट गिवन है, यस एंड व्हाट इज द नोजल वॉल्यूम फ्लो रेट,
अगर मैं वॉल्यूम फ्लो रेट की बात कर लेता हूं, अगर वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा नोजल का, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फीड, मल्टीप्लाई बाय फीड, क्लियर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माय डियर फीड। सो इसका यूनिट क्या आएगा भाई, एमएम क्यूब पर मिनट, एमएम क्यूब पर मिनट, यस। सो फिर अगर मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम फ्लो रेट से डिवाइड कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इन मिनट, मतलब टाइम आ जाएगा। तो ऐसे अपन सिंपली क्वेश्चन को डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, और फिर निकालेंगे भाई अपन वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा, बिकॉज इट इज इन एमएम क्यूब, इट इज एमएम क्यूब पर मिनट, जस्ट डिवाइड एमएम क्यूब बाय एमएम क्यूब पर मिनट, देन यू विल गेट द आंसर इन मिनट, यस। सो यू नो इफ आई कैलकुलेट द वॉल्यूम, सपोज अगर मैं बात करूं नीचे वाले स्टेप से, अपन बात करते हैं नीचे से ऊपर तक, है ना, टॉप बॉटम टॉप तक। सो इट इज वॉल्यूम व्हाट, 3a मल्टीप्लाई बाय 3a मल्टीप्लाई बाय, यू नो, इसको मान लेता हूं मैं एक, यस, इसको मान लेता हूं माय डियर मैं पहला स्लैब, इसे मान लेता हूं मैं दूसरा स्लैब, और इसे मान लेता हूं मैं तीसरा स्लैब, क्लियर। सो अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करता हूं तो मैं कह सकता हूं क्या, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन, व्हाट इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन स्लैब, तो मैं कह सकता हूं क्या, इट इज 3a मल्टीप्लाई बाय 3a, यस सर, तो ये हो गया 9a स्क्वायर, यस सर, 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1.5a, 1.5a, तो ये कितना हो गया भाई, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पहली स्लैब का निकालता हूं तो ये आ गया, इट इज 13.5 a क्यूब। अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं सेकंड का, अगर वॉल्यूम निकाल सेकंड आपका स्लैब का, दिस इज 2a, 2a एंड a, ये हो गया आपका यू नो 4a क्यूब, इट इज व्हाट माय डियर 4a क्यूब, 2a मल्टीप्लाई बाय 2a मल्टीप्लाई बाय a, एंड इफ अगर मैं निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्लैब a मल्टीप्लाई बाय 0.5a, है ना, तो 0.5a क्यूब, 0.5a क्यूब, ओके, सो दिस इज 0.5a क्यूब। टोटल अगर मैं देखता हूं कि भाई वॉल्यूम कितना होने वाला है, सो यहां पे अगर देखें तो टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करना चाहें, टोटल वॉल्यूम इज व्हाट, इट इज जस्ट 13.5 plus 0.5, 14 plus a, 14 floor, 18a cube, 18a cube, ये किस में आएगा भाई, ये आएगा आपका mm cube में, okay, it is in mm cube, this is total volume, 18a cube, mm cube, clear, ये हो गया volume। अगर मैं volume flow rate निकालता हूँ, it is very easy, अगर volume flow rate निकालें अगर अपन, तो you know, v dot, कितना आएगा भाई, volume flow rate is equal to pi by 4 d square, d दे रखा है a by 10, pi by 4 d square multiply by feed, feed is equal to 5 mm per minute, a by 5 ना, ये हो गया आपका a by 5, तो what you observe, तो volume flow rate, volume flow is equal to आपका जो आंसर आने वाला है, it is just this is just you know pi a cube by 4 multiply by 100 multiply by 5, तो यहां से आ जाएगा 0.00157 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब, ये आ गया किस में, ये आ गया आपका mm क्यूब पर मिनट में ना, ये आ गया आपका किस में, दिस इज mm क्यूब पर मिनट, क्लियर। अब जस्ट डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दीजिए वॉल्यूम को अपॉन वॉल्यूम फ्लो रेट को, आपका जाएगा टाइम। सो अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, अगर मैं टाइम निकालता हूं, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस दिस पार्ट, सो वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट, so 18a cube, this is 18a cube upon 0.00157 10 to the power 3, this is a cube again, sorry, this is a multiplied by a cube, so you will get the time required to do this object, produce this object is 11459 approximately in minute। जस्ट अगर आप यूनिट को बैलेंस करते हैं तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो तो आप उस अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर दीज आर, सो माय डियर दीज आर सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस। सो वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द मटेरियल साइंस माय डियर 4 नंबर क्वेश्चन आर आस्ट, एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कास्टिंग से एक नंबर का हो गया, वेल्डिंग से एक नंबर का हो गया, ऐसा करते अगर देखें अपन तो पूरे प्रोडक्शन से अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछ ले गए हैं प्लस मेटल साइंस, ओके, दोनों ही मिक्स कर दें तो अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क क्वेश्चन जो है आपको सब्जेक्ट से पूछ ले गए हैं। दे आर वेरी यू नो दिस काइंड दिस ईयर पेपर इज ईजी इन काइंड ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन से क्वेश्चन ईजी थे बिकॉज मेटल फॉर्मिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, अच्छा क्वेश्चन नहीं आया मेटल फॉर्मिंग से, यस मेटलर्जी से भी कहीं ना कहीं
फिंजेस से क्वेश्चन आया और हम जो एक्सेप्ट कर रहे थे लाइक फ्रॉम द गेजेस डिजाइन और इन द लिमिट फिट एंड टॉलरेंस, वहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया आपके पास, क्लियर। कास्टिंग से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वेल्डिंग से भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो जहां से अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस थे, कोई बात नहीं। सो जैसा भी क्वेश्चन था अच्छा था एंड ईजी था, आप आराम से कर सकते थे, यस। लेकिन मटेरियल साइंस से हर बार देखो अब क्या हो रहा है, मटेरियल साइंस से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो इस पर जोर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम जो पढ़ते हैं मटेरियल साइंस काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40-45 आवर्स का मटेरियल साइंस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आए हैं आपको सॉल्व हो गए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन करके। थैंक यू सो मच गाइज, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके गेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हमें बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस भेजे और उस क्वेश्चंस को हमने गैदर्ड किए। एक्चुअली क्या है कि गेट का एग्जामिनेशन है तो गेट में वन लाइनर क्वेश्चंस तो होते नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो एक्चुअली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन है। तो बेसिकली जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा डेटा के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को जहाँ तक हम लोगों को समझ में आई उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशंस। क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और हम लोग सॉल्यूशंस डिस्कस करते जा रहे हैं, बिल्कुल। तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एक क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन के आए थे, कुछ क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर के आए थे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस अगर बात करें थर्मोडायनेमिक्स की तो लगभग 3 क्वेश्चंस हमारे पास में आए हैं, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का आया है और एक क्वेश्चन शायद हीट ट्रांसफर का है। दूसरा क्वेश्चन हीट ट्रांसफर का जो है वो क्लियर नहीं है, बच्चे ने कहा था बस काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं धीरे धीरे करके क्या क्या क्वेश्चन आया था। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास में आया है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन था कि एक इक्वेशन दिया हुआ था पीवी टू द पावर 1.5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, जहां PV और P by R equals to MVYT, मतलब PV equals to MRT की बात कर रहा है, नहीं PV equals to MRT equation है। बोला कि क्या कि ये कब वैलिड है लगर, ठीक है। तो एनी रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट सफिशियंट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बोला क्या कि फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग PV टू द पावर 1.5 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दिस इक्वेशन कनेक्टिंग द PVT ऑफ द गैस एट 2 PV equals to MRT। तो PV equals to MRT जो है वो कौन सा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, नहीं। तो कोई भी गैस आइडियल गैस कब बिहेव करता है, कोई भी गैस आइडियल गैस कब बिहेव करता है, तो एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन इसमें पूछा था कि अमोंग दीज विच इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट पूछा था। तो ये तो सही है, एनी रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, ठीक है, हो गया यहां पे सफिशिएंट टेम्परेचर पे। इसके बाद एक दिया था आपका कि पीवी इक्वल्स टू द पावर 1.5 इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, और बाय इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, ये भी सही है, रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। एक दिया था फॉर अ रियल गैस गोइंग थ्रू एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वैलिड है पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, दिस इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी सही है। लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट यूज कर लिया, क्या रियल गैस, ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस। अगर कोई आइडियल गैस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जा रहा है तो पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने डेरिवेशन भी करवाए हैं आपको, अगर आप देखोगे PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट तो दो एजम्पशन लिए गए हैं, एक तो आइडियल गैस इक्वेशन लिया गया था और एक आपका लिया गया था रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो रिवर्सिबल आइडियल गैस के लिए ये आपका है फॉर्मूला PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां पे आईडी रियल गैस दे रखा था, आइडियल नहीं दे रखा था, तो इसी कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद क्या दिया, फॉर एन आइडियल गैस द एंथैल्पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, कई बार बता चुके हैं, बोथ आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर एंड वॉल्यूम। और टीडीएस इक्वेशन में इसको हमने डिराइव करके भी दिखाया है आपको, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन कौन सा था और आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास और आया है मिक्सचर ऑफ गैसेस से,
एक क्वेश्चन आया मिक्सचर ऑफ गैसेस से, बोला क्या कि क्वेश्चन है कि दो मास है, ठीक है, एक गैस है एक्स, एक गैस है वाई, ठीक है ना, एक गैस है एक्स और एक गैस है वाई। एक्स का मास दिया हुआ है आपको 10 केजी पर किलोमोल और वाई का मास पूछा है, ठीक है ना। उसको बोला गया कि कितने प्रेशर पर रखा गया इनिशियली, इनिशियली जो प्रेशर है वो है 100 किलो पास्कल इन अ कंटेनर हैविंग अ वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है 10 मीटर क्यूब और टेम्परेचर दे रखा है आपको कितना 300 केल्विन। ये एक्स का दे रखा है आपको मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, एम दे रखा है कैपिटल एम, एम एक्स, ठीक है। और एक्स का जो मास है, मास जो है वो दे रखा है आपको एम एक्स की वैल्यू 2 केजी। तो आपसे एम वाई पूछा है, ये नहीं पूछा है, आपसे एम वाई पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम वाई। इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है आपको 20 केजी पर केल्विन मोल, ठीक है ना। अब बिल्कुल आराम से देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये भी था, अगर हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में एक्स प्लस वाई एड कर दिया तो आपको नहीं लगता कि एन अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई, एन इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, एन इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां हो जाएगा एन इक्वल्स टू 2 by 10 और प्लस एम वाई बाय 20। अगर एन निकल जाता तो एम वाई निकल जाता और एन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन एक तो होता है पीवी इक्वल्स टू एम आर टी और एक होता है पीवी इक्वल्स टू एन आर बार टी। तो पी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 100, V की वैल्यू आपको दी हुई है 10 इक्वल्स टू एन आर बार 8.314 और टेम्परेचर 300। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4 पुट कर दीजिए यहां पे और यहां से आप एम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, यहां से आप एम वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोग बढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट गैस कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर, ये सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हम लोग बहुत ज्यादा देते हैं आपको, ठीक है, वो है आपका क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन और देख लें इसमें। यह क्वेश्चन अभी तक किसी ने क्लियरली पूछा नहीं है, बोला क्या कि एक सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर है 1000 केल्विन, ठीक है ना, और इसने हीट दिया, ठीक है, सोर्स को हीट सप्लाई किया कितना 1000 कितना सप्लाई किया ये नहीं दिया आपको, नहीं, ये आपका वर्क दिया W और यहां से हीट रिजेक्ट हो गया QL, कहां पे, सिंक पे, ठीक है ना, सिंक पे, सिंक का टेम्परेचर है 100 केल्विन। तो पूछ क्या रहा है आपसे पता है कि QH, W और QL मींस का वैल्यू दिया हुआ है, बोला कि कौन सा वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन क्या था ये तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। तो अगर हम बात करेंगे W की तो W बराबर तो पहले होना चाहिए QH माइनस QL, तो एक बार तो आप ये चेक कर लेना W इक्वल्स टू QH माइनस QL, जो भी QH और QL का वैल्यू दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस W के बराबर है या नहीं। इसके बाद एक आपने पढ़ा है क्लॉसियस इनइक्वालिटी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ by T शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dQ by T शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर आपको साइकिल रिवर्सिबल दिया हुआ था क्वेश्चन में, अगर मान लो सपोज, तो आप इक्वल्स टू जीरो कर लेना, दो इक्वेशन आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये कोई बता नहीं पाया एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चन आया है, हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशंस हो तो आप बताइए प्लीज, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो कि गेट अभी नया नया पूछना स्टार्ट किया है, पिछले साल भी आया था क्वेश्चन, उसके पिछले साल भी आया था, स्टॉपर्स वाला,
ठीक है, क्वेश्चंस था क्या कि एक मान लो हमारे पास सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है ना, इस सिलिंड्रिकल कंटेनर में हमने क्या किया है, एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन जो है वो इस पोजीशन पे जो है वो स्टॉप कर रहा है, ठीक है, इस स्टॉपर को हटाया गया, पिस्टन मूव करके यहां पहुंच गया, ठीक है ना, अब यहां पे भी आपका स्टॉपर लगा हुआ है, दूसरा पोजीशन है, ये लेंथ दिया हुआ है आपको L1 और ये लेंथ आपको दिया हुआ है L2, तो पिस्टन के एरिया में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, पिस्टन का एरिया तो यही है, आपसे पूछ रहा है मेरे ख्याल से वर्क कितना हुआ, ठीक है, W की बात कर रहा है, तो अगर W की बात करेंगे तो W बराबर प्रेशर जो है आपका वो तो आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट बोल रहा है आपको, तो P एटमोस्फेरिक इंटू वॉल्यूम चेंज V2 माइनस V1, और वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, तो PATM इंटू V2, तो क्या हो जाएगा, A कांस्टेंट है L2 माइनस एरिया पिस्टन का है इंटू L1, तो लिख सकते हैं PATM इंटू A कॉमन ले ले, तो ये हो गया आपका L2 माइनस L1, कुछ अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो ये सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेसिकली हम पी नॉट से दिखाते हैं, तो हो सकता है पी नॉट के टर्म में आपका आंसर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछ दिया था, जो एडवांस फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं वहां पे गेट गया ही नहीं, बच्चे बोले कि सर क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, लेकिन जहां तक हमने क्वेश्चन एनालाइज किया है तो क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आप मैकेनिक्स को लेकर कह रहे होंगे, ठीक है, तो मैकेनिक्स तो ऑब्वियस सी बात है मैकेनिकल ब्रांच है, तो मैकेनिक्स इज हर्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, तो मैकेनिक्स से पूछना तो लाजमी है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब क्वेश्चंस तो बाद में आते हैं, पहले तो पहला क्या चीज है मैकेनिक्स, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल का मतलब ही होता है मैकेनिक्स की बात करते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन से एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलत कर चुके होंगे, इस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक ऐसा फिगर दे दिया, ठीक है ना, एक ऐसा फिगर दे दिया, पूछा कि ये क्या है, अगर बात करें यहां पे प्रेशर दे रखा था आपको P1 100 किलो पास्कल, ठीक है, यहां पे आपको दे रखा था डेंसिटी रो 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, और यहां पे U1 दे रखा है आपका 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और यहां पे आपको दे रखा है A2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A1, A2 ये 1 और ये 2, ठीक है, तो वैल्यू कोई निकालने के लिए नहीं दिया आपको, आपसे पूछ रहा है क्या कि यहां पे अगर मान लो U1 है वेलोसिटी, V1 मान लो, U1 मान लो, ठीक है ना, और यहां पे अगर U2 है तो U2 बड़ा होगा या U1, तो हम लोग डायग्राम देख के सीधा टिक करते हैं कि अच्छा एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज तो वेलोसिटी डिक्रीज, तो ये आपको कई बार बताए हैं कि हमारे पास में एक नोजल होता है कन्वर्जिंग, थ्रोट और डाइवर्जिंग, बताया है, यहां पे अगर हम बात करें तो M लेस देन 1, थ्रोट पे M इक्वल्स टू 1 और सुपरसोनिक जोन में M ग्रेटर देन 1, मतलब जब तक आप मैक नंबर नहीं निकालोगे तब तक आप बता नहीं सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का क्वेश्चन था, तो आपको इसमें करना क्या था, आपको इसमें मैक नंबर निकालना था, ठीक है ना, मैक नंबर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही काम होगा, तो मैक नंबर बराबर क्या होता है, रूट अंडर गामा आर टी, एम इक्वल्स टू वी बाई सी, तो वी फ्लो वेलोसिटी बाई रूट अंडर गामा आर टी, ये वैल्यू पुट कीजिए आपको मैक नंबर की वैल्यू आएगी, और जब मैक नंबर की वैल्यू निकल जाएगी तब जाके आप निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू, इस मैक नंबर की वैल्यू जब यहां से सॉल्व किया गया था तो मैक नंबर की वैल्यू आई थी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1.1718 के लगभग में वैल्यू आ रहा था, तो इसका मतलब जो आप समझ रहे थे वो नहीं है, ये इट इज नॉट डिफ्यूजर, इट इज डाइवर्जिंग नोजल, तो इस केस में यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1,
बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तब बताते हैं कि नोजल बेसिकली हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो ये नोजल है, लेकिन जब हम कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो बताते हैं तो बताते हैं बकायदे फ्लूइड मैकेनिक्स में तो था, लेकिन यहां पे हम कॉम्प्रेसिबल गैसेस देखने जा रहे हैं, कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड देखने जा रहे हैं, तो इस केस में आप नोजल ब्लाइंडली मत बताइएगा और ये पूरा डेरिवेशंस करवाते हैं नोजल प्रोफाइल ड्रॉ करके, क्लियर। तो ये क्वेश्चन पूछा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने आया है जो कि लाजवाब क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हीट ट्रांसफर से, हीट ट्रांसफर से बेसिकली दो क्वेश्चन, अगर आपके लोगों के पास में क्वेश्चन हो तो आप भेजिए प्लीज, अदरवाइज मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक कंटेनर है, इसके अंदर एक सिलिंड्रिकल कंटेनर पैक्ड है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ये डी और ये एच, ठीक है ना, डी और एच, इसका मान लो नाम दे दिए वन, इसका नाम दे दिया टू, कह रहा है क्या कि एफ टू टू की वैल्यू कितनी होगी, एफ टू टू सेफ फैक्टर पूछ रहा है, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो ध्यान से, सेफ फैक्टर कई बार बताए हैं, क्या होता है कि एक सरफेस से निकल रहा है रेडिएशन और दूसरे सरफेस पे फॉल कर रहा है, इंसिडेंट एंड व्हाटएवर, कितना इंसिडेंट हुआ कितना रेडिएटेड हुआ इसकी बात कर रहे हैं, तो टू से निकलने वाला टू पे फॉल करने वाला, तो टू से जो निकलेगा उसका कुछ पोर्शन वन पे भी आएगा और टू से जो जाएगा उसका कुछ पोर्शन टू पे भी आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एफ टू टू है इसकी वैल्यू लेस देन वन होगी, एक से कम होगी, ठीक है, और एफ टू टू की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, इसकी वैल्यू जीरो से भी ज्यादा होगी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसी बात को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं फॉल किया, ऐसा नहीं कि 100% फॉल किया। अब कैसे बनाएंगे, तो एफ वन वन प्लस एफ वन टू शुड बी इक्वल्स टू वन, वन से निकलने वाला वन पे फॉल नहीं करेगा, सब जाएगा रूम के अंदर, तो एफ वन टू की वैल्यू आपको पता चल गई, और रेसिप्रोकेटरी थ्योरम लगाइएगा, ए वन एफ वन टू इक्वल्स टू ए टू एफ टू वन, सो फ्रॉम हियर यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ टू वन, क्योंकि आपको ये रिलेशन तो कुछ दिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि काफी क्वेश्चंस करवाते हैं हम लोग रेसिप्रोकेटरी थ्योरम पे बेस्ड, और एक बच्चे ने ऐसे ही व्हाट्सएप किया कि सर कुछ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर से क्वेश्चन था, तो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर से तो क्वेश्चन एक बनता ही है, देखो एक काउंटर फ्लो से क्वेश्चन बनता ही है, ऐसे बना लो काउंटर फ्लो, ये है आपका टी एच आई, ये है आपका टी एच ई, ये आपका टी सी आई, ये आपका टी सी ई, ठीक है, या तो एल एम टी डी पूछा होगा, या तो कोई एक टेम्परेचर दिया होगा, मास फ्लो रेट दे रखा होगा, ठीक है, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन पूछो, कोई एक वैल्यू देखे, तो हमें पता है ये एम एच डॉट सी पी एच इंटू टी एच आई माइनस टी एच ई इक्वल्स टू एम सी डॉट सी पी सी इंटू टी सी ई माइनस टी सी आई, या तो ये फॉर्मूला यूज होगा, या तो अगर आपसे एल एम टी डी पूछा होगा डेल टी एम, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डेल टी एम के लिए, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये हो गया डेल्टी आई, ये हो गया डेल्टी ई, तो डेल्टी आई माइनस डेल्टी ई अपॉन एल एन डेल्टी आई बाई डेल्टी ई, या तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इज दैट क्लियर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे आया होगा, तो ये क्वेश्चंस फिलहाल हमारे पास आए हैं, अभी आप बने रहिए, अगर हमारे पास और भी क्वेश्चंस आते हैं तो और भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अभी तक के लिए फिलहाल अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस आते जा रहे हैं तो आप हमारे नंबर पे उसको भेजते चले जाइए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन, मैं आपको बार बार नंबर भी दे रहा हूं अपना 8947914295, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर याद आ रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गेट में जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उस क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का जो लेवल था एक तरह से इजी टू मॉडरेट लेवल है, क्योंकि ज्यादातर जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें हम क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था आपके सामने जिसमें आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इस पे एक लोड आपका W आ रहा है, इसका लेंथ L है और फ्लेक्चुरल रिजिडिटी आपका EI है। आपको इस केस में पूछा गया था कि आप बताएं यहां स्टिफनेस कितना आएगा, स्टिफनेस आपसे पूछा गया है। तो नॉर्मली जब स्टिफनेस की यदि मैं बात करता हूं तो स्टिफनेस आपने पढ़ रखा है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो यदि मैं स्टिफनेस की बात करता हूं तो ये आपका लोड W है, और कैंटिलीवर के केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपने कितना पढ़ रखा है, दिस इज WL³ अपॉन 3EI। तो इस कंडीशन में हम इस वैल्यूज को यहां पुट करेंगे, दिस इज WL³ अपॉन 3EI। तो आपका WW मैनेज हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आएगा जी, 3EI अपॉन L³। ये एक्चुअल में MCQ टाइप के क्वेश्चन थे, आपको ऑप्शन दिए होंगे, कुछ ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शन होंगे, तो यहां आपको करेक्ट आंसर आना चाहिए 3EI L³। तो ये एक तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक टॉर्सन से दिया गया था, टॉर्सन से अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टॉर्सन चैप्टर से था और कुछ डाटाज गिवेन थे। यदि मैं डाटाज की बात करूं तो आपको इस केस में लेंथ था 1.5 मीटर, डायमीटर आपको, यदि मैं बात करूं शियर मॉडुलस की तो ये आपका 80 गीगा पास्कल, आरपीएम की यदि मैं बात करूं तो दिस इज 500 आरपीएम, एंड थीटा आपका 0.5 डिग्री। क्लियर है, आपसे पूछा गया था पावर निकालें कितना होगा। एक्चुअल में ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा में भी डिफर कर सकता है, लेकिन अप्रोच आपने जो किया होगा उस अप्रोच को यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां आपको ये डाटा दिए गए हैं और आपसे पावर पूछा गया है। पावर आप जानते हो कि पावर आपका टॉर्क इनटू ओमेगा होगा, और यहां टॉर्क यदि टी है तो 2πN/60 आपका ओमेगा होगा। यहां पे हम पावर निकाल सकते हैं, हमें क्या नहीं पता है जी, हमें टॉर्क नहीं पता है। यदि हम टॉर्क फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली यहां सॉल्व कर सकते हैं, और टॉर्क के लिए आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू TL/GJ। ये टॉर्सन चैप्टर में आपको फॉर्मूला आता है T/J τ/R इज इक्वल टू G θ/L। इन दोनों को एक साथ आप जब लेंगे तो ये आपको थीटा दिखेगा, और यहां पे आपको टी निकालना है, तो थीटा इंटू GJ डिवाइडेड बाई L। आपको जो थीटा यहां पुट करना होता है ये आप रेडियन में पुट करेंगे, तो आप जब यहां पे टॉर्क निकाल रहे होंगे, थीटा आपको दिया है 0.5 डिग्री, तो 0.5 इंटू π/180 इंटू, यदि जी की बात करते हैं तो जी 80 गीगा पास्कल है, तो 80 × 10³ N/mm² लिख सकते हैं, और जे जो आप लिखेंगे π/32। क्लियर है, और डायमीटर 100 है, तो 100^4 डिवाइडेड बाय L की बात करते हैं, L 1.5 मीटर है, तो आप इसको मिलीमीटर में यदि लिखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। यहां से आप टॉर्क निकाल सकते हैं, एक्चुअल में टॉर्क न्यूटन mm में निकलेगा, और फिर आप इसको चाहें तो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई होप को ये बातें यूनिट में यहां आप गलती कर सकते हैं, और आपका जो टॉर्क आया
ये वैल्यू आ रहा होगा, दिस इज 4569.26, ये आपके टॉर्क आएंगे। इस टॉर्क के वैल्यूज को यहां रखिएगा आप, दिस इज 4569.26 इंटू 2 पाई, एन कितना 500 डिवाइडेड बाई 60, तो यहां पे आपका पावर आ जाएगा, दिस इज इन वाट और मे बी आप पावर किलोवाट में भी लिख सकते हैं। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा होगा, दिस इज 239.24। ये क्वेश्चन एनएटी फॉर्मेट में था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आपसे पूछा गया था, और इसको हम आसानी क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि इस केस में आपको सिर्फ और कैलकुलेशन पे फोकस करना था। क्लियर है? तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था जो यहाँ आपको फॉर्म में देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, थर्ड क्वेश्चन। ये आपको एक बीम दिया हुआ है और इस पे लोडिंग की बात कर रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट लाइक एक बॉडी ऐसे है फॉर एग्जांपल, और इस पे यूडीएल आया है और इस डायरेक्शन में एक एक्सियल लोड आ रहा है। इस पे एक यूडीएल आया है और इस डायरेक्शन में एक एक्सियल लोड इस कंडीशन में आ रहा है, जो कि हम ट्रांसवर्स शियर लोड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सियल नहीं कहेंगे हम, इसे ट्रांसवर्स शियर लोड कहेंगे। ओरिएंटेशन आपके सामने है, सामने से आपको ऐसे दिखेगा, एक लोड ऐसे आ रहा है तो ये आपका एक ट्रांसवर्स शियर लोड है और इस पे यूडीएल आया है, तो इस यूडीएल के कारण भी एक बीएमडी बनेगा और इस ट्रांसवर्स लोड के कारण भी एक बीएमडी बनेगा, और दोनों बीएमडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी एक तरह का आसान क्वेश्चन है, दो प्लेन में आपसे बातें की जा रही हैं और दोनों प्लेन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे होंगे कि लोडिंग्स कंडीशन मैंने आपको समझा दिया, ये लोड एक तरह पे ट्रांसवर्स शियर लोड ही है और ये आपका यूडीएल आया है। इसको यदि मैं बोलूं तो आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन है। इसको मैं दो पार्ट में बांट दूं तो आपको कुछ इस तरह पे दिखेगा कि एक तो कहानी ऐसे हो रहा है जिसमें यूडीएल आ रहे हैं, और दूसरा कहानी इस तरह से हो रहा है कि ये बॉडी कुछ इस तरह से है और इस डायरेक्शन में एक लोड आ रहा है। एग्री कर रहे हैं? मतलब ये दो ओरिएंटेशन में कहानी दिख रहा है, एक आपको इधर लोड भी आ रहा है और एक यूडीएल आ रहा है। यदि इस यूडीएल के रिस्पेक्ट में आप बीएमडी की बात करते हैं तो ये आपको भी पता है कि बीएमडी यहां पैराबोलिक वेरिएशन होगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी पॉइंट है, ये आपका डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ये वेरिएशन बीएमडी का है जो कि आपका पैराबोलिक होगा। एग्री करते हैं? लेकिन इसी केस में जो ये ओरिएंटेशन आपको दिख रहा होगा सेकंड वाला, ये ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से आ रहा है। एग्री कर रहे हैं? तो इसके कारण भी एक बेंडिंग आएगा और ये एक पॉइंट लोड की तरह काम कर रहा होगा। और इस केस में यदि मैं बात करूं तो आपको, यदि बीएमडी की बात करते हैं तो ये एक कुछ इस तरह का वेरिएशन आएगा। ये बीएमडी है यहां, ये आपका एफ ए लीनियर वेरिएशन होगा, ये पैराबोलिक वेरिएशन है, ये आपका लीनियर वेरिएशन होगा। ये ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये हम एक्स जेड प्लेन में बात कर रहे हैं, और दूसरे ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो वो ओरिएंटेशन आपका एक्स वाई प्लेन में चल रहा है। मैं फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं। लोडिंग्स में यूडीएल्स भी आए हुए हैं इस पे, और एक ट्रांसवर्स शियर लोड इस तरह से आया है, उस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये आपको एक मोहर सर्कल का कंडीशन दिया गया था, ध्यान दें, और आपसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है प्लेन स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, प्लेन स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। और प्लेन स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब एक्स एक्सिस और हम
वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं और कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, क्लियर है। जैसे एक ऑप्शन आपको एफ ए दिया हुआ था कि आपका एक मोहर सर्कल है एफ ए और ये ओरिएंटेशन इस तरह पे था और ये आपका सेंटर था। क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से इसमें से प्लेन स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन सही है। ध्यान दें, ये जो मोहर सर्कल बनता है यूनिएक्सियल लोड के केस में बनता है, यूनिएक्सियल, और जब यूनिएक्सियल लोड होगा तो बाईएक्सियल का तो कोई मतलब ही नहीं है टू डी का, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। क्लियर है बातें। इसी तरह पे एक ऑप्शन दिया हुआ था आपको जिस केस में मोहर सर्कल कुछ इस तरह से बना था, कुछ इस तरह का कहानी था, और इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये जो मोहर सर्कल बनता है, यहाँ आप कंडीशन ये भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ ये फिग्मा आया हो और इधर ये फिग्मा हो, एग्री कर रहे हैं, और इस ओरिएंटेशन पे आप समझेंगे तो ये प्लेन स्ट्रेस हो सकता है। क्लियर है, क्योंकि एक्स वाई दोनों प्लेन पे यहाँ हम बात कर रहे हैं। तीसरा कुछ ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ था और उस ऑप्शन में कुछ लोग बोले ये कहानी है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन है जो कि ये गलत होगा। क्लियर है, सेंटर कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे हमेशा लाई करना चाहिए, या कोई और भी ओरिएंटेशन होगा यहाँ, फॉर एग्जांपल कि मोहर सर्कल कुछ ऐसे बन रहा हो तो ये भी ओरिएंटेशन गलत होगा। तो यहाँ पूछा है प्लेन स्ट्रेस मतलब 2D मतलब बाई एक्सियल की बात कर रहा है, दो एक्सिस में हम बात कर रहे हैं और ये दो एक्सिस में ये ओरिएंटेशन सही है, तो हम लोग ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तो आई होप सो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो आप पे क्वेश्चन पूछा गया, आपको एक कंडीशन दिया गया कुछ इस तरह से कि आपके पास एक प्रिज्मेटिक कंपोनेंट है, आपसे एक प्रिज्मेटिक कंपोनेंट दिया गया है जिसकी लंबाई L है, तो आपके ड्यू टू सेल्फ वेट आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा गया। क्या पूछा गया है? स्ट्रेन एनर्जी। तो आपको पता होगा कि स्ट्रेन एनर्जी इस केस में स्पेसिफिक वेट का स्क्वायर इंटू ए एल क्यूब डिवाइडेड बाई 6E, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम लोग बहुत बार डिराइव भी किए हैं, और आपको स्ट्रेन एनर्जी इस केस में वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक वेट जो होगा वो आपका रो इंटू जी होगा। क्वेश्चन में गिवेन था कि डेंसिटी कितना है, क्लियर है, दिस इज 2700 केजी पर मीटर क्यूब। ध्यान देंगे ये डाटा मेमोरी बेस्ड है, मे बी ये 270 भी हो सकता है, क्योंकि आप ही द्वारा जो वैल्यू पता चला है उसी पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये डेंसिटी दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था कुछ वैल्यू 5 मीटर, यदि मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूं तो ये 70 गीगा पास्कल है, क्लियर है। और इस केस में आपके पास एरिया दिया हुआ था 10 मीटर स्क्वायर। तो यदि ये डाटा गिवेन हो, जो भी डाटा आपको दिया होगा उस डाटा को यदि हम यहाँ पुट करें तो यहाँ पे हम स्ट्रेन एनर्जी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरह से सिंपल ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो सॉम में एक और क्वेश्चन देखने को मिला उसको लेते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे लिए था, ये थर्मल स्ट्रेस चैप्टर से क्वेश्चन था, और थर्मल स्ट्रेस से जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये कुछ इस शेप में थे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। ये बॉडी कुछ इस तरह से था और यहाँ एक इस तरह से पार्टीशन दिए हुए थे, इनका नाम ए मान लेते हैं, ये बी है और ये सी है, ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू है, और ये दोनों साइड पे फिक्स था, क्लियर है। यहाँ यंग्स मॉडुलस ई है, और यदि मैं बात करूं कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है, यहाँ ये 2E है
और ये 2 अल्फा है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको दे रखा है, दोनों का लेंथ एल है, क्लियर है। और इस केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डेल्टा टी हम बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कुछ एमएसक्यू पैटर्न पे था और कुछ ऑप्शन दिए हुए थे कि स्ट्रेस वन और स्ट्रेस टू दोनों बराबर होंगे, स्ट्रेस वन ज्यादा होगा स्ट्रेस टू से, और भी कुछ इस तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। जो सी इंटरफेस है, क्लियर है, इंटरफेस जो है सी, इंटरफेस जो है वो मूव कर रहा है राइट, या जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस है वो मूव कर रहा है लेफ्ट, इस तरह पे क्वेश्चन था। इंटरफेस वो बोला कि इसको, इस वाले पार्ट को इंटरफेस बोल रहा है, एग्री कर रहे हैं यहां तक? तो क्वेश्चन आपको लगभग क्लियर है। अब इसमें पूछा गया स्ट्रेस की बात में, जब हीट करेंगे तो ये फैल रहा होगा, तो जब ये फैलेगा तो यहां रिएक्शन आएगा, ये आपका रिएक्शन आएगा और ये रिएक्शन आएगा, और कहीं ना कहीं ये रिएक्शन और ये क्रॉस सेक्शन सेम है तो स्ट्रेस आपका सेम हो जाएगा, स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा जी, सेम हो जाएगा। क्लियर है बातें, क्योंकि सेम क्रॉस सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्या है, इसका जो डेल्टा एल टोटल आएगा, डेल्टा एल टोटल वो आपका जीरो होगा, और ये जो डेल्टा एल टोटल क्या है, डेल्टा एल ए सी प्लस डेल्टा एल क्या जी, सी बी, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल वन वाला पार्ट और डेल्टा एल टू वाला पार्ट, ये ओवरऑल जीरो होगा क्योंकि ये फिक्स है बोथ एंड पे, ये आपको फिक्स है बोथ एंड पे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि इस केस में समझे हम आगे, तो ध्यान दें आप इंटरफेस वाले कहानी को समझना चाह रहे हैं, तो आप डेल्टा एल वन इसमें जब आप लिखेंगे तो यहां क्या आएगा जी, एल अल्फा डेल्टा टी माइनस आर एल ए ई, ये हमारा वन बॉडी का नेट कहानी है, प्लस जो दूसरा बॉडी होगा एल टू अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है, एंड दिस इज माइनस कॉम्प्रेसिव होने के कारण आर एल, आर एल अपॉन ए इंटू टू ई, और ये मेरा सेकेंड बॉडी का कहानी है और ये जीरो है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये फर्स्ट वाले पार्ट पे ये थर्मल का चेंज इन लेंथ है, ये रिएक्शन का है, ये थर्मल का है, ये रिएक्शन का है, यहाँ टू अल्फा क्यों ले रहे हैं और यहाँ टू ई क्यों ले रहे हैं, ये भी बात आपको समझ में आ रहा होगा, टू बॉडी का कहानी है। आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कौन से वैल्यूज ज्यादा दिख रहे होंगे, ध्यान दें यहाँ एल अल्फा डेल्टा टी से ये माइनस हो रहा है और यहाँ एल टू अल्फा डेल्टा टी और ऊपर से टू डिवाइड भी है और वो चीज माइनस कर रहे हैं, तो निश्चित है कि ये वैल्यू ज्यादा आएगा। और यदि ये वैल्यू ज्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यदि डेल्टा एल टू ज्यादा है डेल्टा एल वन से, तो निश्चित है ये टू ज्यादा होगा, मतलब ये इधर आएगा, क्योंकि ये डेल्टा एल टू है डेल्टा एल वन है, डेल्टा एल वन एल टू बराबर होता तो यहीं रहता, लेकिन डेल्टा एल टू ज्यादा है तो ये इधर आएगा, यानी ये इंटरफेस मूव लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इंटरफेस मूव करेगा और स्ट्रेस बराबर होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जो फॉर्म में पूछे गए, 6-7 क्वेश्चन जो भी आपने देखा, क्वेश्चन कुछ अच्छे थे लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको आसानी देखने को मिले होंगे। क्लियर है, चलिए ध्यान दें, नेक्स्ट जो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, एमडी से कुछ क्वेश्चन आए हैं और मशीन डिजाइन के कुछ क्वेश्चन, जो आप बोल सकते हो कि एक तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें सॉम एमडी दोनों के कॉन्सेप्ट लगे होंगे, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एमडी के क्वेश्चन में सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया कि आपको एक केस दिया गया था, ध्यान दीजिएगा, इस केस में गिवन क्या था, दिस इज सिग्मा वन इज इक्वल टू 70 मेगा पास्कल एंड सिग्मा टू इज इक्वल टू
-70 मेगापास्कल। ये आपको एक कंडीशन गिवन था कि सिग्मा वन सिग्मा टू दिया है और एस वाई टी आपको 100 मेगापास्कल दिया गया है। तो इस केस में जब हम मोहर सर्कल बनाएंगे, जस्ट लाइक ये केस तो कुछ ऐसा हुआ, अभी ये सॉम में भी इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आए थे कि ये आपको दिखेगा यहां 70, इस डायरेक्शन में 70 और ये आपको इस तरफ से 70, एग्री करते हैं। और इसका मोहर सर्कल जो बनेगा कुछ एक सिमेट्रिकल कंडीशन में मोहर सर्कल इस तरह से बनने वाला है, एग्री करते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस कंडीशन में ये इसका सिग्मा वन है और ये इसका सिग्मा टू है और ये इसका ओरिजिन है, एग्री करते हैं। तो मेरा इस कंडीशन में यदि मैं डिजाइनिंग करने जाऊं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा कि यदि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का मैं यूज करूंगा तो सिग्मा वन इज लेस देन एस वाई टी बाई एन, और सिग्मा वन का वैल्यू कितना आ रहा है जी यहां 70, यानी आप इजिली बोल सकते हैं कि दिस इज 70 लेस देन इक्वल टू एस वाई टी का वैल्यू 100 है और फैक्टर ऑफ 51 ले रहे हैं, यानी यहां पे आपको एमपीएसटी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में ये कॉम्पोनेंट सेफ है। एमपीएसटी में ये कॉम्पोनेंट आपका क्या है जी, सेफ है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में ये फेल नहीं करेगा, डज नॉट फेल, क्योंकि आपको पता है कि एस वाई टी 100 है। लेकिन यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि यदि हम मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी लगाते हैं, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस में सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू आएगा, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू आएगा और ये वैल्यू आपका एस वाई एस बाई एन और एस वाई टी बाई टू एन, एग्री करते हैं। तो यदि इस केस में मैं वैल्यू रखूं तो दिस इज 70 माइनस आपका -70 एंड दिस इज 2 और ये वैल्यू यहां एस वाई टी यदि क्वेश्चन में होगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 100/2, एन का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूं। तो यहां पे आपको क्या कंडीशंस दिखेगा, ये वैल्यू आपको जो दिखेंगे यहां ध्यान दें, दिस इज 140 बाई 2 एंड लेस देन इक्वल टू 50। तो ये हो गया 70 इज लेस देन इक्वल टू 50 और इंड्यूज वैल्यू ज्यादा आ रहा है, यानी यहां ये फेल कर जाएगा। तो इस तरफ से कुछ क्वेश्चन थे जो डाटाबेस क्वेश्चन था जिसको हम लोग ऐसे यूज किए, क्लियर है बातें। चलिए अगले क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पूछा गया आपसे एसएन कर्व से एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट डाटा तो नहीं ध्यान है लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था कुछ इस तरफ से क्वेश्चन दिए हुए थे, एक कर्व दिया गया था और ये कर्व एक नेचर चेंज करता है जो कि जनरली हम लोग क्लास में पढ़ते हैं 10^6 साइकिल, ये एफएन कर्व लॉग बेस 10 एन और यहां लॉग बेस 10 एस, और ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एंड्यूरेंस लिमिट। यहीं पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन था और यहां पे एंड्यूरेंस लिमिट का वैल्यू 10^10 यदि स्टील की बात करते हैं तो 10^6 साइकिल पे दिखता है और यहां कुछ वैल्यूज दिए हुए थे, फॉर एग्जांपल कि S1 था, ये S2 था, ये S3 था और ये S4 था, तो हमारे काम का इंड्यूरेंस लिमिट जो मिलेगा S4 वैल्यू देगा, क्लियर है। तो ये आपके एक SN कर्व से सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं बात करूं मशीन डिजाइन में तो आपको ब्रेक का एक क्वेश्चन था और ब्रेक में आपको एक कंडीशन में ध्यान दें, बेल्ट लगे हुए थे, क्या लगे हुए थे जी, बेल्ट आपको लगे हुए थे कुछ ऐसे ओरिएंटेशन पे, क्लियर है, ये आपके बेल्ट थे और इस बेल्ट का कुछ रोटेशन दिया हुआ था, तो निश्चित है ये T1 टेंशन होगा, ये T2 टेंशन होगा,
तो गिवन कुछ डाटाज दिए हुए थे और रेशियो ऑफ टेंशन आपसे पूछ रहा था। डाटाज में क्या था, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपको 270 डिग्री दिया हुआ था, एंगल ऑफ लैप जो बोलते हैं आप, एंगल ऑफ लैप की बात करते हैं, और यदि नेक्स्ट में बात करूं तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ था दिस इज 0.3 और आपसे रेशियो ऑफ टेंशन पूछ रहा था T1 बाई T2 कितना होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू E का पावर म्यू थीटा मिनिमम लिखते हैं और थीटा को हम लोग रेडियन में पुट करते हैं। दो चीजों को ध्यान में रखना था, तो यहां पे E तो रहेगा ही, म्यू का वैल्यू कितना लेंगे जी 0.3 और यदि मैं थीटा की बात करता हूं तो 270 × π/180। इसको सॉल्व कर लें तो आपको रेशियो ऑफ टेंशन का वैल्यू आ रहा होगा कुछ 2.07। तो आई होप सो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जिसको हमने देखा, और क्वेश्चन मैं अभी फिर से ये ओवरऑल एनालाइज कर यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक तरह से मॉडरेट से इजी लेवल में ही था और इस सारे क्वेश्चन को किए जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड, उन क्वेश्चंस का सलूशन देखते हैं कैसे आपने सॉल्व किया होगा, कैसे इसको किया होगा। तो चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है वो बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है सर? ये क्वेश्चन जो है वो बाउंड्री लेयर थ्योरी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर एयर का फ्लो हो रहा है, किसी फ्लैट प्लेट के ऊपर एयर फ्लो कर रहा है, फ्लैट प्लेट है और इसके ऊपर एयर फ्लो कर रहा है, ओके, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 2 m/s है। तो वॉल शियर स्ट्रेस जो है, वॉल शियर स्ट्रेस आपको दिया हुआ है किसी लोकेशन 15 mm पे, लीडिंग एज से 15 mm के लोकेशंस पे वॉल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है जो कि टाउ डब्ल्यू है। व्हाट इज द वॉल शियर स्ट्रेस एट अ लोकेशन ऑफ 30 mm? 30 mm पे क्या होगा? यानी सर, लेट अस से ये पॉइंट 1 है और यहां पे ये डिस्टेंस जो है वो 15 mm है, और लेट अस से ये पॉइंट 2 है और यहां पे जो शियर स्ट्रेस है वो आपको बतलाना है, ये 15 mm और ये 30 mm शियर स्ट्रेस बतलाना है। तो सर, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि फ्लो कैसा है, फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है या कैसा है। तो आपको चेक करने के लिए आपको रेनॉल्ड नंबर निकालना होगा। तो रेनॉल्ड नंबर क्या आया? Vx/ν। आप केवल 30 mm तक चेक कर लो, आप 30 mm तक चेक कर लो कि सर 30 mm तक रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप देखिए, V यानी 2, X यानी 30, यानी 30 × 10⁻³, और न्यू, न्यू की वैल्यू 1.5 है, 10⁻⁵। तो यहां से आप चेक कर पाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 10⁻²² हो गया, 10⁻³ हो गया, 2 और 2 = 4, 4 × 10�³, जो कि आपको पता है 5 × 10⁵ से बहुत छोटा है। यानी फ्लो जो होगा यहां से यहां तक के रीजन में लैमिनार फ्लो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर सर लैमिनार फ्लो है तो ये भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि शियर स्ट्रेस या वॉल शियर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स होगा। यानी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी आप देख पाएंगे कि सर ए ऑप्शन, पूरी तरह से मैं नहीं कट करूंगा, ये ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होने वाले हैं, आइदर सी सही होगा या डी सही होगा, बट आप समझ चुके होंगे कि सी सही होने जा रहा है। तो सर τ2/τ1 विल बी x1/x2 and x1 is what? x1 is the 15 mm or x2 is what? 30 mm. So this is 1/√2 and τ1 is what? τw. तो यहां से आप बोल सकते हैं सर τ2/τw, τw को आप इधर भेज दीजिए तो ये τw/√2. So answer will be, so answer will be what? Answer will be C option.
दैट इज टाउ डब्ल्यू बाई रूट टू। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास ये है कि 2D का फ्लो है और V की वैल्यू ये अपने पास इस तरह से दी गई है, V इज द के एक्स आई, यानी आप यहां पे बोल सकते हैं सर U की जो वैल्यू होगी वो के एक्स होगा और V की जो वैल्यू होगी वो माइनस के वाई होगा। के जो है वो 2 सेकंड इनवर्स है, ठीक है ना। एक्स वाई जो है मीटर में है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट को नेग्लेक्ट करना है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कंसीडर नहीं करना है। किसी एक ओरिजिन पे, ओरिजिन पे, ओरिजिन पे जो प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है। प्रेशर का लोकेशन 2-2 मीटर पे आपको बताना है, किसी एक लोकेशन 2-2 पे आपको प्रेशर बतलाना है और फ्लूइड की डेंसिटी 1000 है ऐसा आप मान लीजिए। तो सर सबसे पहले आप इस फ्लो के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जेड निकालिए। अब ये ओमेगा जेड क्यों निकाल रहे हो सर, मैं अभी एक मिनट में बताता हूँ ओमेगा जेड क्यों निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हाफ डेल वी बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई, यानी ये आपके पास v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 और u को भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0, तो ओमेगा z जो है वो आ गया 0। अच्छा, इसका डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी निकाल लें सर। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0। चेक करिए 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2D है तो केवल यही रखेंगे, तो u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k और v को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस k, और आप यहां पे भी देख पा रहे हैं कि ये 0 विल बी 0 है। यानी क्या समझ में आ रहा है सर कि फ्लो इररोटेशनल है और फ्लो इनकंप्रेसिबल भी है। तो फ्लो इररोटेशनल है और फ्लो इनकंप्रेसिबल है, इट मीन्स आप कहना चाह रहे हैं कि सर इस पर्टिकुलर इक्वेशंस में बर्नौली इक्वेशंस आप धूमधाम से यूज कर सकते हो क्योंकि फ्लो इररोटेशनल भी है फ्लो इनकंप्रेसिबल भी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपका जो ओरिजिन है वो लोकेशन 1 है, तो लोकेशन 1 पे अगर हम लोग बात करें, लोकेशन 1 पे हम लोग बात करना चाहते हैं, लोकेशन 1 पे तो u1 0 हो जाएगा और v1 भी 0 हो जाएगा। तो जो v होगा दैट इज द v जिसको आप कहते हैं वेलोसिटी टोटल मैग्नीट्यूड, दैट इज द u स्क्वायर और v1 स्क्वायर, ये तो हो जाएगा सर 0। बट लोकेशन 2 के बारे में बात करें आप जरा, u1 जो है वो kx है ना, यानी u1 जो है वो k की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू भी 2 है, तो ये 2 और 2 यानी ये हो गया 4। और v1 जो है वो माइनस के एक्स वाई है और k की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो गया -4। तो यहां से जो मतलब ये मैं 2 बोलना चाह रहा हूं, ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 2, ठीक है, क्योंकि अब लोकेशन आप 2 पर आ चुके हैं, तो ये सर मैंने आपको 2 बोल दिया है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये स्मॉल v2 है और ये स्मॉल v2। तो अब यहां पे v2 जो होगा वो रूट ओवर u2 स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर होगा, और यहां से आप समझ पा रहे हैं कि ये 4 और 4, ये 4√2 हो जाएगा। तो अब सर चूंकि इनकंप्रेसिबल और इररोटेशनल है तो आप बर्नौली इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशंस क्या है सर, p1 बाई रो जी प्लस z1 v1 स्क्वायर बाई 2g, और यहां पे क्या है p2 बाई रो जी प्लस z2 एंड v2 स्क्वायर बाई 2g। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो जब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस नहीं है तो z1 z2 पिक्चर में नहीं आएगा, और v1 आपने कहा सर v1 तो मेरा 0 हो चुका है, तो इक्वेशंस क्या बना आपके पास, दैट इज द p1 बाई रो, क्योंकि g गायब हो चुका है सभी जगह से, विल बी p2 बाई रो एंड v2 स्क्वायर बाई 2, मतलब g गायब हो चुका है सभी जगह से। अब आप देखें p1 की वैल्यू है 100, तो 100 किलो है ना, तो किलो मीन्स 10^3 और ये 10^3 विल बी p2 बाई रो, रो हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, मतलब रो सॉरी पता है 1000, और v2 स्क्वायर, v2 इज द 4√2, v2 इज द 4√2, सो इट बिकम्स
4 रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज 100, दिस इज पी टू बाई रो एंड दिस इज वॉट 16 इंटू 2, और ये 2 और 2 गायब हो जाएगा. आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये रूट 2 और ये इसका स्क्वायर है और ये 2 गायब हो गया, तो 16 का स्क्वायर हो गया ना, मतलब 4 का स्क्वायर 16. अब ये इधर आ गया तो 84 हो गया. तो पी टू बाई रो इज 84, यानी चूंकि रो की वैल्यू 1000 है तो ये 84 किलो पास्कल हो जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. दैट इज व्हाट, कि लोकेशन 2 पे जो प्रेशर होगा वो क्या मैग्नीट्यूड रखेगा, दैट इज द 84 किलो पास्कल. दोस्तों इस क्वेश्चन की एक खास बात ये है कि इस क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, इस क्वेश्चंस को आप यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेवियर स्टोक इक्वेशंस. बट नेवियर स्टोक इक्वेशंस आपको अच्छे से यूज करने आना चाहिए. वहां पर जो इक्वेशंस बनेगा यहां पे इसके लिए, अगर मैं बात करूं तो जो नेवियर स्टोक इक्वेशंस हमारे पास होता है, दैट इज व्हाट, रो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज आप लिख सकते हो म्यू डेल यू, डेल यू का एक्स के साथ, डेल यू का एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, माइनस रो जी और माइनस डेल पी बाई डेल एक्स. ये आपके पास इस तरह से इक्वेशंस बनना चाहिए, फिर आप यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास रो ए एक्स म्यू इसके साथ एक्सप्रेशन के साथ अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है ना, तो फर्दर आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं. बट हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास थोड़ी सी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे नहीं जाइए, आप इसी इक्वेशंस को यूज कर सकते हो. नेवियर स्टोक इक्वेशंस की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, खैर, तो ये आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा क्वेश्चन हो चुका है. अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है सर, आइए देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन ये है आपके पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन है, एक वॉल है, एक वॉल है जो कि बॉटम पे हिंज किया गया है. वॉल जो है बॉटम पे हिंज किया गया है, और यहां पे जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है. यानी जो दो फ्लूइड है, एक फ्लूइड की डेंसिटी 1000 है, एक फ्लूइड की डेंसिटी 2000 है. मैं अलग अलग कलर करके बना रखा हूं ताकि आप इस बात को समझ सको कि डेंसिटी अलग अलग है. 1000 2000, यहां पर 1 मीटर और ये 2 मीटर है. ठीक है, तो 1000 2000 1 मीटर 2 मीटर. आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सर मोमेंट बताना है अबाउट द हिंज पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. ये इस पॉइंट से आपको मोमेंट बताना है, बट ध्यान रहे जो मोमेंट आप बताएंगे वो किलो न्यूटन मीटर में आप बताएंगे. किसमें बताएंगे सर, किलो न्यूटन मीटर. और एटमोस्फेरिक प्रेशर गिवन है कि 100 किलो पास्कल. तो सर एटमोस्फेरिक प्रेशर का पिक्चर में कोई रोल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंट करेंगे तो इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा और वापस में वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा जब आप मोमेंट लिखने जाएंगे. तो आपको पता है कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल यहां पर नहीं है. ठीक है, अब देखो सर, मैं यहां पर अगर प्रेशर का वेरिएशन आपको दिखाना चाहूं कि सर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, तो प्रेशर यहां से ऐसे वेरी करेगा. मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूं. प्रेशर देखो सर यहां से ऐसे वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन में. प्रेशर का वेरिएशन यहां पे कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन प्रेशर का वेरिएशन होगा. ठीक है, ये प्रेशर का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन हो गया यहां से ये. ठीक है, ये प्रेशर हो गया. और दूसरी बार जब यहां पे प्रेशर होगा, चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो स्लोप जो है इसका चेंज हो जाएगा. स्लोप जो ये अभी स्लोप ऐसे आ रहा था ना, या मैं और स्लोप चेंज कर दूं तो ये ऐसे और ये जो है स्लोप ऐसे हो जाएगा. यानी गौर करने वाली बात ये है सर
कि अब जो प्रेशर का वेरिएशन इसके पास होगा, ठीक है, वो ऐसा कुछ होगा, ये। तो यहां पर एक प्रेशर ये लग रहा है और दूसरा प्रेशर ये लग रहा है, दूसरा प्रेशर ये लग रहा है, ठीक है। कोई और कलर मैंने ले लिया, ये प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब सर आपको देखा जाए तो यहां से यहां तक जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर का नाम मैंने नाम दे दिया P1। जो P1 की वैल्यू होगी, वो P1 की वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो वो P1 की वैल्यू इस जगह पे टोटली कांस्टेंट है। यहां पे वो P1 टोटली कांस्टेंट रूप से काम करेगा, कांस्टेंट है। तो और यहां पे आप समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू है वो यहां पे टोटली कांस्टेंट है, ये P1। तो ये वाला जो एरिया है, मतलब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो प्रेशर की वजह से एक्ट कर रहा है इस वॉल पे, वो तो केवल P1 इंटू एरिया होगा सर, वो तो केवल P1 इंटू एरिया होगा। क्योंकि यहां पे प्रेशर वेरिएशन हो रहा है तो यहां पे मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो एक्चुअली आपके पास कुल मिलाकर देखा जाए तो, अगर आप समझ पा रहे हैं तो, अगर देखा जाए सर तो हमारे पास एक फोर्स लगेगा F1, एक फोर्स इसके ऊपर लगेगा जो कि बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा, दैट इज F2, और एक फोर्स लगेगा दैट इज द F3। F1, F2 और F3, और इसके अंदर का जो इसका विड्थ है इसको 1 मान के चलना है। विड्थ कितना मान के चलना है सर? 1 मीटर मान के चलना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अब जो बच्चे समझ पाए होंगे इस सवाल को वही कर पाएंगे। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि F1 क्या होगा। देखो सर, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो सब बच्चा नहीं कर पाएगा। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स को बड़े ही डीप में पढ़ा होगा, बड़े ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, वही ये बच्चा ये क्वेश्चन कर पाएगा। अब देखो सर, F1 की जो वैल्यू होगी वो होगी रो जी एच बार इंटू एरिया, या रोवन आप कह लीजिए इसको। रोवन की वैल्यू है 10^3, जी की वैल्यू को जी ही रहने दीजिए, एच बार जो होगा वो 0.5 होगा क्योंकि रोवन जो है वो 1 मीटर पे ही तो है, और एरिया जो होगा वो 1 × 1 होगा। एरिया जो होगा वो कितना होगा? 1 × 1 होगा। ये एरिया 1 लेंथ है और इसके अंदर का विड्थ कितना है? 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो ये 500 जी हो गया न्यूटन का, ठीक है, F1। और अगर F2 आप देखें तो F2 होगा P1 into area, और P1 into area का मतलब आप समझिए, P1 है रोवन जी H1 into area। एरिया किसका होगा? एरिया यहां पर 2 का होगा, यहां पे पहले का एरिया था, यहां पर दूसरे का एरिया। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए सर, ये F2 जो मैं लिख रहा हूं वो इस वाले के सेक्शन के लिए लिख रहा हूं, ये वाला सेक्शन जो कि P1 की वजह से इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, जो कि P1 की वजह से इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, तो वो F2 मैं लिखना चाहता हूं। और वो F2 की वैल्यू क्या हो गई? रोवन यानी 10^3 जी H1 की वैल्यू पूरी पूरी हाइट है, और A2 की वैल्यू कितनी है? इस बार 2 × 1 की है। तो सर ये हो जाएगा 2000 जी न्यूटन। दिस इज व्हाट? दिस इज F2। और सर अगर मैं F3 के बारे में बात करूं, F3 की जो वैल्यू होगी वो अगेन रो 2 जी एच बार 2 वाला और एरिया 2 वाला, ठीक है, F2 ये
जो यहां से ये वेरिएशन आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला F2 होगा सर, ठीक है, ट्रायंगल का, तो ये F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो F2 की वैल्यू आपको क्या नजर आया सर, F2 की वैल्यू आया रो 2, दैट इज द 2000 जी, H2 की वैल्यू कितनी होगी 2 का हाफ, और एरिया कितना होगा 2 × 1। तो सर ये तो गायब हो गया, ये हो गया 4000 जी, क्या हो गया सर 4000 जी। अब देखो सर ध्यान से, बिल्कुल आराम से, ये F1 कहां पे लगेगा, आपको पता है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आपको पता है कि अगर सर ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये B है, ये D है, तो इसका HCP, HCP means center of pressure, ये होगा 2D/3। अब मैं इसको फॉर्मूले से डिराइव नहीं करने जा रहा हूं, IXX upon AH bar plus H bar करके आप इसको डिराइव कर सकते हैं, तो HCP जो होगा वो 2D/3 होगा। यानी ये जो F1 एक्ट कर रहा है, ये जो F1 एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा होगा यहां से, इसका थोड़ा सा मैं डार्कनेस कम कर दूं, यहां से 2/3, लेट अस से ये जो वैल्यू है सर वो HCP1 है, और ये जो F2 एक्ट कर रहा है, ये जो F2 एक्ट कर रहा है वो यहां से 1 मीटर पे है, क्योंकि आधे आधे पे होगा, ये पूरा 2 मीटर है तो ये पूरे आधे आधे पे होगा। और सर ये F3 जो एक्ट कर रहा है, F3 जो एक्ट कर रहा है वो यहां से इस पॉइंट से F3 नजर आ रहा होगा आपको, F3 जो एक्ट कर रहा है वो, इसको मैंने चलो नाम दे दिया HCP3, और इसको मैंने नाम दे दिया HCP2। तो ये HCP3 ये वाली डिस्टेंस होगा यहां से यहां के बीच। चलो सर अब हिंज पॉइंट से आप मोमेंट ले लीजिए, हिंज पॉइंट से मोमेंट ले लीजिए, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है सर, यही वो क्वेश्चन है जो बाकी बच्चों से आपको डिफरेंशिएट करेगा। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन को तो लगभग सभी बच्चे कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका गेट का फॉर्म भरना बेकार है सर, आप पैसा बर्बाद किए हो गेट का फॉर्म भर के। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे अगर ध्यान देंगे तो ये बच्चे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में आपका दिमाग लगेगा, कैलकुलेशन, दिमाग, सारी चीजें हैं यहां पर सर। अब देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन है जो आपको बाकी बच्चों से डिफरेंशिएट करेगा, यही क्वेश्चन है जो आपको इसरो वगैरह में लेकर जाएगा, ठीक है, वेरी सॉरी, इसरो नहीं, ONGC वगैरह जो है वहां पे लेकर जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, अब यहां पर आपने मोमेंट ले लिया, कहां से मोमेंट ले लिया सर, इस हिंज पॉइंट से मोमेंट ले लिया, तो जो टोटल मोमेंट होगा, अच्छा सारे फोर्स या सारे मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एक ही तरफ होगा, तो इसके लिए आप झगड़ा ही मत करो, क्या होगा तो सर देखो, F3 का इस पॉइंट से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस मुझे चाहिए, हिंज वाले पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, तो ये सर होगा यहां से 2D/3 पे, ये पूरा 2 है, ये होगा 2D/3 पे, यानी ये होगा 4/3 पे, और ये पूरा 2 है ना, तो ये हो गया सर 2 − 4/3 पे, क्योंकि आपको बॉटम से लेना है सर, क्योंकि आपको बॉटम, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ही नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा सर, आपको यहां से लेना है हिंज पॉइंट से, क्योंकि मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स जो है वो लाइन ऑफ एक्शन का वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पर डिपेंड करेगा। तो ये आपके पास F3 का ये डिस्टेंस HCP3 होगा, जिसको आपने नाम दिया, दैट इज द 2D/3 होगा, 2D/3 कहां से होगा, यहां से होगा, मैंने आपको बता दिया, तो यानी यहां से ये डिस्टेंस है 4/3, तो सर यहां से ये डिस्टेंस कितना है 2 − पूरा 2 है 2 − 4/3 प्लस F2 का ये डिस्टेंस कितना हो, ये 1 मीटर है तो यहां से भी 1 मीटर होगा, ठीक है, प्लस F3 का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से समझिएगा, F3 थोड़ा सा बच्चे गलती कर सकते हैं F3 में, पहले HCP1 की वैल्यू देखिए, HCP1 होगा
टू डी बाई थ्री यानी 2/3 मीटर है। तो पूरा का पूरा देखो, दो और एक तीन है, तीन है ऊपर से कितना है 2/3 है, तो आप इसको यहां से माइनस कर दीजिए, तो एफ थ्री जो होगा 3 माइनस 2/3, दिस विल बी दी योर टोटल मूवमेंट। तो सर क्या हो गया, क्या हो गया सर, एफ थ्री की वैल्यू क्या आई थी 4000, एफ थ्री की वैल्यू है 4000, और ये क्या है सर 2 माइनस 4/3। तो अगर आप इसको देखें तो 6, 2 और 3 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है सर 2000, F2 की वैल्यू कितनी है 2000 और ये 1, F3 की वैल्यू कितनी है सर 500, सॉरी F1 है, ये तो F1 है ना, वेरी सॉरी ये तो F1 है ना, ऊपर से ले रहे हो ना, उसका नाम F1 है, F1 की वैल्यू कितनी है 500 और ये कितना हो गया 9 और ये 7/3। पर ध्यान रहे सबके साथ जी है और जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर में है, अभी मैंने किलो नहीं किया इसको, ये आपके पास हो गया। इसको कैलकुलेट करते हैं सर, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये है 8000 / 3 प्लस 2000 प्लस, इसको मैं 3500 लिख दे रहा हूं, ठीक है, 3500 / 3 और ये मेरा आ गया 5833.33 इंटू जी मीन्स 9.81, तो 9.81 कर लिया। तो जो भी मेरा आंसर आ रहा है उसमें से मैंने 1000 को डिवाइड कर लिया, तो सर ये मेरे पास आ गया 57.225 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल मोमेंट आ गया, कहां से मोमेंट आया है? गौर करने वाली बात ये है कि मोमेंट कहां से आया है, ये मोमेंट जो है वो हिंज पॉइंट से आया है, और आपका जो हिंज पॉइंट है वो कहां पे है, वो हिंज पॉइंट यहां पे है, बॉटम पे। तो दिस इज समथिंग ऑल अबाउट योर फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा एक और बात, जो बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स के एक क्वेश्चंस को, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और क्वेश्चन है जो कि ऐसा कुछ दिया हुआ था, आपको यहां पे कंडीशन दी गई है 1-1 पे और 2-2 पे कंडीशंस दी गई है, और यहां पे जिन बच्चों से क्वेश्चंस पूछा गया है कि फ्लो वेलोसिटी कहां पे ज्यादा होगी, प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, तो ये नोजल और डिफ्यूजर्स होगा। जो बच्चे एफएम में इसको ढूंढ रहे हैं वो एफएम में नहीं, इस क्वेश्चन को पावर प्लांट में कराया गया है, तो आप पावर प्लांट वाले सेगमेंट में जाकर इसको ढूंढ सकते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो वाले, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप अच्छे नंबर से क्वालिफाइड कर रहे होंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो गाइज, गुड इवनिंग, आई होप आपका सबका पेपर आज का बेहतरीन हुआ होगा। आज जो पेपर था मैकेनिकल का सेकंड शिफ्ट के अंदर, बहुत आसान पेपर आया था एप्टीट्यूड का। मैं आशीष कुमार गुप्ता, आपको जो भी स्टूडेंट से मुझे फीडबैक मिला उन क्वेश्चंस का आपको मैं सॉल्यूशंस कराने वाला हूं। तो सब लोग कमेंट्स भी करते रहें, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको मिला हो, याद हो, आपको मेमोरी बेस है तो मुझे शेयर कर सकते हैं 7597852777। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, मैं उनको आप डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ, और आप लोग भी रेस्पॉन्स दे कि आपका आंसर ये था। तो क्वेश्चंस पहला था जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड था, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस देखने को मिला था और अब की बार भी क्वेश्चंस देखने को मिला है, और पेपर का मैं आपको देखिए मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद बताऊंगा कि पेपर का लेवल भी कैसा था, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो जो मेंसुरेशन का क्वेश्चंस क्या था गाइस, देखिए जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है यहां पर उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से रिलेटेड था, तो क्वेश्चंस क्या था उसकी भी अपन बात करेंगे। मेंसुरेशन में भी जो क्वेश्चंस था वो रेक्टेंगल
से रिलेटेड क्वेश्चंस था, रेक्टेंगल से। क्लियर हुआ गाइस? रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस था। आपको किसी, यहां पे मैं बात करूं रेक्टेंगल या स्क्वायर का, आपको एरिया गिवन था। यदि मैं बात करूं तो यहां पे एरिया गिवन था, एरिया जो गिवन था 4 स्क्वायर यूनिट गिवन था। क्लियर हुआ? अब जो भी रेक्टेंगल था इसका मैक्सिमम पैरामीटर क्या हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं था, मिनिमम पैरामीटर क्या हो सकता है जिसका आपको एरिया गिवन है 4 यूनिट्स। अब यदि मैं रेक्टेंगल्स की बात करूं, यहां पर रेक्टेंगल शेप की बात करूं तो यहां पर ये अपन को एक रेक्टेंगल गिवन है, इसको आपको एरिया गिवन था। अब यहां पे पूछा गया कि जिसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है उसका मिनिमम पैरामीटर क्या हो सकता है, मिनिमम पैरामीटर की यहां पे बात कर रहे हैं। तो याद हो तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात, मिनिमम पैरामीटर्स की बात करें तो स्क्वायर बनेगा। क्लियर हुआ? अब यहां पर स्क्वायर की बात ना करें, पहले रेक्टेंगल की बात करें, तो इसका जो एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है, और एरिया क्या होता है यहां पर एल इन टू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की मैं यहां पे बात करूं, रेक्टेंगल की बात करूं तो एल इन टू बी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर 4 आए, तो एल बराबर, यदि अपन बात करें एल बराबर 1 तो बी इक्वल टू 4, यदि एल बराबर 2 तो बी इक्वल टू 2। तो ये दो पॉसिबिलिटीज मैं लेके चल रहा हूं जब एरिया अपना क्या आएगा 4। यदि मैं लेंथ को, यदि मैं दूसरी बात करूं लेंथ को यहां पर 4 लेके चलूं तो b इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, दीज आर रिसिप्रो रिवर्स है। तो l बराबर 4 एक पॉसिबिलिटी जी, एक पॉसिबिलिटी जी। यदि मैं दूसरी कंडीशंस की बात करूं यहां पर, क्लियर? तो यहां पर 2 एंड 2, तो ये दो पॉसिबिलिटीज है जब किसी रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 4 स्क्वायर यूनिट, और वी नो दैट ऑल स्क्वायर आल्सो रेक्टेंगल। अब यहां पे पैरामीटर अपन जज करें कि इनका पैरामीटर क्या होगा, और अपन को लिस्ट पैरामीटर के बारे में बताना है। यदि मैं पैरामीटर की बात करूं तो पैरामीटर क्या होगा 2 टाइम्स एल प्लस बी, तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं पैरामीटर्स की बात करूं 4 प्लस 1 तो इसका यूनिट क्या है 10 यूनिट, 10 यूनिट। और यहां से बात करूं 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहां से अपन बात करें 2 प्लस 2 तो कितना यूनिट आया 8 यूनिट। तो जो मिनिमम पैरामीटर हो सकता है गाइस वो 8 यूनिट होगा, ये आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा। यदि ये आंसर है तो अपना राइट आंसर है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का, तो यहां पर किसी 2D जहां रेक्टेंगल और स्क्वायर का आपको एरिया गिवन था, यहां पर जहां 4 स्क्वायर यूनिट, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। यदि मैं 2 इंटू 2 की बात करूं तो 4 आ रहा है, 4 इंटू 1 की बात करूं 4, तो यहां लिस्ट पैरामीटर वाली वैल्यू पूछी थी तो जिसका आंसर कितना आएगा 8 यूनिट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन था यहां पर, काफी सारे बच्चों ने बताया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू एनालॉजी, एनालॉजी का क्वेश्चन था, सादृश्यता, रिलेशंस बिटवीन, क्या था गाइस रिलेशंस का क्वेश्चन यहां पर। एक वर्ड्स गिवन था प्लांटिंग, प्लांटिंग, प्लांटिंग का जो रिलेशंस था, प्लांटिंग नाम से क्लियर हो रहा है, उगाना, प्लांटिंग किसको, सीड से रिलेटेड। तो यहां से आपको एक वर्ड्स दे रखा था राइजिंग, राइजिंग। अब यहां पर राइजिंग का रिलेशन किससे होगा, व्हाट विल बी रिलेशन। सबसे पहले बात करें प्लांटिंग, प्लांटिंग किसकी होगी, सीड की प्लांटिंग होगी, बीज का, जिससे प्लांट। राइजिंग क्या होगी, क्या चीज राइजिंग, इंक्रीज और डिक्रीज, राइजिंग का अपोजिट डिक्रीज, तो क्या चीज इंक्रीज हो सकती है। There are 4 words are given. First, lift. Second option, options की बात करूं, these are 4 options are given. Lift ones, height, height, not suitable for that. Temperature,
यस यस, टेम्परेचर बोलते हैं, टेम्परेचर राइज हुआ, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड्स आ गया। फोर्थ, चाइल्ड, चाइल्ड की ग्रोथ होती है ना कि राइजिंग होती है, तो यहां सुटेबल वर्ड्स इज टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, सी, सीड्स की प्लांटिंग होती है, तो राइजिंग यहां इन फोर वर्ड्स में बात करूं लिफ्ट की भी नहीं होती, हाइट का भी नहीं होता, तो किसका होगा, टेम्परेचर का राइजिंग। यदि आपने देखा होगा थर्मोमीटर के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है और डिक्रीज हो रहा है। यदि अपन बात करें यहां पर समर और विंटर के अंदर टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, तो हाई यहां पे वर्ड्स होगा राइजिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग, तो राइजिंग वर्ड्स यूज किया जाएगा, तो बेस्ट आंसर विल बी बी, सॉरी यहां पर टेम्परेचर आएगा सी। ओके, तो एक ये क्वेश्चंस गिवन था गाइज, एक क्वेश्चन और गिवन था फंक्शंस का, तो वो क्वेश्चंस क्या था देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर था बहुत सिंपल क्वेश्चंस था, द आपको एक फंक्शंस गिवन था एफ, ऐसा फंक्शंस गिवन था एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन, ये गिवन था इफ, और कुछ वैल्यू गिवन थी, वैल्यू क्या क्या गिवन थी, एफ सेवन आ इक्वल टू 60, एफ सिक्स इक्वल टू 37, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन, एफ वन की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब गाइस मैक्सिमम एफ सेवन, एफ सिक्स, तो ये सेवन कब बनेगा, सॉल्यूशंस की बात करें, माइंड में लेके आए, यहां एन माइनस माइनस एक रिकर्सिव फंक्शन है, तो यदि मैं बात करूं तो n बराबर यहां पे मैंने 6 पुट किया, तो f7 बराबर f6 प्लस f5, तो 7 और 6 की वैल्यू दे रखी है 60 बराबर 37 प्लस f5, तो यहां से जो f5 की वैल्यू निकल के आई 23, तो यहां f5 की जो वैल्यू निकल के आई 23, तो अपन को f5 की वैल्यू आ गई, एफ सिक्स की वैल्यू आ गई। अब यदि मैं एन की वैल्यू 6 लिया तो नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं बात करूं एन बराबर 5, तो एन बराबर मैंने 5 यूज किया, तो एफ सिक्स एफ फाइव प्लस एफ फोर आएगा, फिर अपनी जो वैल्यू आएगी 4 की वैल्यू आएगी, 6 की वैल्यू 37, एफ फाइव की वैल्यू 23 और एफ फोर की वैल्यू अपन को निकल, तो F4 फोर वी विल बी इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इट्स इक्वल टू 41, तो F4 की वैल्यू अपन को निकल के आई, अपन को इसी तरीके से अपन को F1 की वैल्यू निकालनी है F1 की, तो यदि मैं यहां पे n इक्वल टू 4 यूज किया तो n यहां पे क्या हो जाएगा 5 F4 और F3, F5 की वैल्यू यहां से 23, F4 इक्वल टू 14, तो F3 क्या होगा, तो यहां से अपन बात करें F3 की वैल्यू, गाइज आपका यही आंसर था, तो F3 की वैल्यू की मैं बात करूं तो 23 माइनस 14 तो आंसर विल बी 9, तो यहां F3 की वैल्यू निकाल ली अपन ने, इसी तरीके से अपन आगे उभरते जाएंगे तो मालूम चल गया कि तो ये रिकर्शन का कंसेप्ट है, तो n इक्वल टू यहां पे मैंने 3 यूज किया तो क्या बना F4 इक्वल टू एफ थ्री प्लस एफ टू, तो एफ फोर वैल्यू इक्वल टू यहां पे 14 इक्वल टू 9 प्लस एफ टू, तो यहां से एफ टू की वैल्यू इक्वल टू 5, तो एफ टू की वैल्यू 5 आई, अगेन मैं यदि एन इक्वल टू 2 पुट करूं, यदि मैं एन बराबर यहां पर एन बराबर 2 पुट किया, एन बराबर कितना पुट किया बेटा 2 पुट किया, तो एफ थ्री इक्वल टू एफ टू प्लस एफ वन, तो यदि यहां से मैं बात करूं तो F3 इक्वल टू 9 इक्वल टू 5 प्लस F1, तो F1 वैल्यू इक्वल टू 4, दिस इज द आवर आंसर, तो F4 का जो आंसर होगा F1 की आंसर वो क्या होगा 4। काफी बेहतरीन क्वेश्चन था, रिकर्सन था। यदि मैं बात करूं तो एक सीरीज आपको देखने को मिल गई होगी, यहां से देखो 4 F1 F2 5 क्लियर हुआ, F3 9 F4 14 F5
23, F6, 37, F7, यदि मैं बात करूं तो 64 प्लस 5 फेबोनिक सीरीज 9, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 9 23, 14 प्लस 23 37, 23 प्लस फेबोनिक सीरीज याद हो तो आप सब लोगों ने जिन्होंने बीटेक किया है फर्स्ट ईयर के अंदर एक सी का प्रोग्राम बनाया होगा फेबोनिक सीरीज, वहां से इस लॉजिक को पिक किया है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, F1 = 4। गॉट इट? बहुत सिंपल पेपर था और इंटरेस्टिंग पेपर था, एक दो क्वेश्चन बड़े क्रिएटिविटी बनाए हैं यहां पर। क्लियर हुआ इस क्वेश्चन की बात करें? जो अगला क्वेश्चन था ग्रामर से रिलेटेड था, इंग्लिश ग्रामर से। पेपर का पैटर्न आपको मालूम है, 10 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के, उसी बेस के ऊपर आपकी बार मैकेनिकल का पेपर्स आया है और क्वेश्चंस क्लॉक का क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी मैं बताऊंगा जो मेरे पास डेटा है उसके भी पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं, इट इज ए क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन था ग्रामर से रिलेटेड। एक सेंटेंस आपको गिवन था, ही डिड नॉट, did not, it is important words, manage, he did not manage to fix the, ऐसा कुछ sentence given था, to fix the car him, car him self, so he in the garage, इन द गैरेज। अब यदि अपन बात करें गैरेज, वह अपनी कार को मैनेज नहीं कर पाया, फिक्स नहीं कर पाया, सो इन द गैरेज, जो इसलिए गैरेज में था, क्या मैनेज नहीं कर पाया, उस वर्ड्स की बात करें, गॉट इट। तो वो क्या कर रहा था उसके लिए, ए ऑप्शन गॉट इट फिक्स्ड, बी ऑप्शन गॉट फिक्स्ड, कुछ ऐसे ऑप्शंस गिवन थे, गेटिंग द फिक्स्ड, गेटिंग इट फिक्स्ड और डी ऑप्शंस की गेट्स फिक्स्ड, गॉट फिक्स्ड, गेट फिक्स्ड, डी जब। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा उसकी अपन बात करें। सबसे पहले देखिए यहां पर सेंटेंस की बात करूं तो इट इज शोइंग पास्ट टेंस, पास्ट सब्जेक्ट को पास्ट है तो वर्क भी यहां भी पास्ट होगा। तो पास्ट की बात करें तो सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी एंड डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस प्रॉपर्टीज की बात करूं पास्ट है तो पास्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो सी एंड डी ऑप्शन देना है। अब यदि बात करूं सी डिड नॉट मैनेज टू फिक्स द कार हिमसेल्फ, सो गॉट इट फिक्स्ड, गॉट फिक्स्ड, गॉट फिक्स्ड, किसको प्रोनाउन यूज करेंगे, किसको इट, तो आंसर विल बी क्या होगा, ए। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन आंसर विल बी ए, तो आंसर विल बी गॉट इट फिक्स्ड। इस वाले ऑप्शन के अंदर इट अवेलेबल नहीं, किसको फिक्स कर रहा है ये तो मालूम होना चाहिए, तो इसलिए आंसर होगा गॉट इट फिक्स्ड। तो राइट आंसर गॉट इट फिक्स्ड। क्लियर? एक क्वेश्चन और बता रहे थे बच्चे कि ये क्वेश्चन आया था यहां पर डीआई का पाई चार्ट से रिलेटेड, बट उसके एग्जैक्ट डेटा मेरे को नहीं मिले। क्लियर? और अब की बार जो एक क्वेश्चन था जस्ट लुक लाइक ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सुडू को, वो क्या क्वेश्चन था उसकी भी अपन बात कर। आपको एक मैट्रिक्स दे रखी थी 4x4 की मैट्रिक्स गिवन है, वो 4x4। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? आपको एक मैट्रिक्स गिवन है यहां पर, उस मैट्रिक्स की मैं बात करूं यहां पर, यस यस, दिस द 1 आपको एक मैट्रिक्स गिवन है यहां पर, दिस इज द फ्रेमिंग,
आपने न्यूज़पेपर में सुडोको देखा होगा, कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर फोर रो एंड फोर कॉलम्स हैं, फोर रो एंड फोर कॉलम्स हैं। इसके अंदर चार सिंबल्स आपको गिवन है, चार सिंबल्स। क्वेश्चन में क्या गिवन था, यहां पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पे ओ बना हुआ है और यहां पे स्टार बना हुआ है, यहां पे एक रेक्टेंगल, देयर आर फोर सिंबल्स और ईच सिंबल इन एवरी रो। क्लियर? यहां पे आपको नंबरिंग नहीं गिवन, ये आपको गिवन है और यहां पे एक इंट्रोगेटिव साइन बना हुआ है, किस इंट्रोगेटिव साइन के स्थान पर क्या आएगा। गाइस यहां पे चार सिंबल्स आपको दे रखे हैं, कौन कौन से सिंबल्स दे रखे हैं, रेक्टेंगल्स दे रखा है, सर्कल्स दे रखा है, स्टार दे रखा है और रेक्टेंगल्स दे रखा है, स्क्वायर बोल सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी किस इंट्रोगेटिव साइन पे क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई थी, प्रॉपर्टी लिखी हुई थी दीज आर सिंबल, चारों सिंबल एक ही रो में होनी चाहिए, किसी भी रो के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, चारों सिंबल्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू रो, अकॉर्डिंग टू कॉलम, किसी भी कॉलम में सिंबल्स रिपीट नहीं होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू बॉक्स। बॉक्स को माइंड करते ही तो आपको माइंड में आ गया होगा जस्ट लाइक सुडोको, ये भी अपने आप में एक रेक्टेंगल बॉक्स दे रखा है, स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इस इंट्रोगेटिव साइन के स्थान पर क्या आएगा। तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की सुडोको बढ़ते होंगे, बिल्कुल सुडोको वाला ही कंसेप्ट था, बट वहां 0 to 9 का लॉजिक होता था, 3 by 3 का लॉजिक है, यहां 2 by 2 का लॉजिक है और चार सिंबल्स की बात कर रहा है। तो चारों सिंबल्स इसमें गिवन है, तो इस कॉलम में देखें गाइस टोटल चार सिंबल्स हैं, जिसमें से यहां भी मैं बात करूं 3 सिंबल्स गिवन है तो यहां कौन सा सिंबल्स आएगा, स्क्वायर। अब यदि यहां पर स्क्वायर आ गया गाइस इस बॉक्स के अंदर भी चारों, तो यहां पे कौन आएगा, सर्कल, चारों आ गए। यहां पे अपन को पूछा है क्या आएगा। अब यदि मैं बात करूं स्टार यहां पे आ सकता है, यहां नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी स्टार आने की, जहां इंट्रोगेटिव साइन बना हुआ है, तो इस इंट्रोगेटिव साइन के स्थान पर कौन सा साइन आएगा, स्टार आएगा। दे आर फोर ऑप्शन, ए ऑप्शन रेक्टेंगल, बी ऑप्शन सर्कल, सी ऑप्शन स्टार और डी ऑप्शंस की मैं बात करूं तो स्क्वायर। ऐसा ही क्वेश्चंस था दोस्तों, जल्दी बताओ पेपर्स के अंदर, यस और नो कमेंट्स करो भाई, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या होगा, स्टार। क्यों, कंडीशंस क्या थी, ये चारों सिंबल किसी रो के अंदर रिपीट नहीं होने चाहिए, किसी कॉलम के अंदर रिपीट नहीं होने चाहिए और जो 2 by 2 का बॉक्स है उसके अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ सुडोको। तो यहां से अपन बात करें तो यहां पे ये गिवन था, ये सिंबल्स गिवन तो यहां पे आ गया, जब ये 3 गिवन है तो चौथा सिंबल्स मालूम चल गया यहां पर। अब यदि स्टार की बात करो तो इन दो में क्या गायब, या तो स्टार, या स्टार यदि मैं फिल करता हूं तो यहां पे रिपीट हो रहा है, तो स्टार की पॉसिबिलिटीज एक ही बची तो यहां पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ, 5 नंबर क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो मेरे को मेमोरी बेस के ऊपर स्टूडेंट की तरफ से मिले यहां पर। क्वेश्चन नंबर 2nd क्वेश्चन एनालॉजी का था, फर्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का था। वन मोर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, वन एक और क्वेश्चंस मुझे मिला था, डीआई के क्वेश्चन का एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला, बट जो डीआई का क्वेश्चन है वो पाई चार्ट रिलेटेड है, पाई चार्ट किसी कॉलेज की बात कर रहा है और उसके अंदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की कुछ बात की हुई है। वन मोर क्वेश्चन जो मेरे को मिला क्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसकी अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सिक्स की मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, आपको मिनट्स एंड सेकंड्स हैंड के एक दूसरे को क्रॉस कितनी बाई करेंगे, एंड ऑफ क्लॉक, ऑफ क्लॉक क्रॉस टू ईच अदर हाउ मेनी टाइम्स,
each other how many times between 9:15 to 9:45 ये क्वेश्चंस दे रखा था जो भी है एएम या पीएम इस स्लॉट्स के बीच में जो हावर्स एंड ना पूछकर आपसे पूछा मिनट्स एंड और सेकंड एंड्स एक दूसरे को क्रॉस कितनी बार करेंगे ऑप्शंस थे दोस्त ए ऑप्शन 30 बी ऑप्शन 29 सी ऑप्शन 31 डी ऑप्शन 15 ऐसा कुछ ऑप्शंस थे तो व्हाट विल बी बेस्ट आंसर ये अपन को सेलेक्ट करना अब देखो यहां पे जो पहचान है सबसे पहले यदि वर्ड्स था बिटवीन वर्ड्स इट इज इंपॉर्टेंट बिटवीन वर्ड्स की बात करें बिटवीन इट इज इंपॉर्टेंट यदि बिटवीन था तो ये टाइम अपन को इंक्लूड नहीं करना ये टाइम अपन को इंक्लूड नहीं करना 9:45 से पहले और 9:15 के बाद ऑलमोस्ट की बात करें इस ड्यूरेशंस के बीच में हाउ मेनी मिनट्स 30 मिनट्स अब यदि मैं बात करूं क्लियर इन दोनों टाइम के बीच में 9:15 की बात करूं तो ये क्लॉक अपना 9:15 का मतलब हावर्स एंड कहां होगी सॉरी मिनट्स एंड कहां होगी यदि मैं बात करूं 9 का मतलब यहां और ये वाली पोजीशन 9 से ऊपर 7.5 डिग्री एंगल ऊपर ये 3 ये 6 ये 9 और ये 12 अब 9:15 ये मिनट्स एंड कब मूव करेगी 16 पर जब इसको क्रॉस कर जाएगी एक बार तो इस तरीके से 17 18 19 30 तो टोटल 30 मिनट्स होती हैं तो 16 अब 9:45 की मैं बात करूंगा तो 9:45 यहां पे होगा जब ये एग्जिट यहां पे आएगी तो इसके क्रॉस करने के बाद तो इस टाइम को तो कंसीडर कर नहीं रहे ना जब एग्जिट 9:45 होगा उस टाइम की बात नहीं कर यदि 9:45 की भी बात करते तो यहां पे आंसर 30 आएगा यहां पे आंसर आएगा 30-1 तो राइट आंसर क्या होगा 29 काफी सारे स्टूडेंट्स ने 30 आंसर किया यदि बिटवीन नहीं होता टिल 45 होता तो आंसर विल बी 30 होता अदरवाइज आंसर विल बी हेयर क्या होगा 29 गॉट इट या सुनो इस बिटवीन वर्ड से बाहर काफी चेंज हुआ है एग्जैक्ट 9:45 कब होगा जब वहां पे हो उससे पहले की बात कर रहे हैं ओके तो क्रॉस की अपन बात कर रहे हैं क्लियर तो यहां पे 44 पे फिर 45 की बात करूंगा इसको क्रॉस करके जाएगी जस्ट ए मिनट थोड़ा सा करेक्शन है लूप है यहां पर तो 45 की मैं बात करूं तो 15 टू 16 17 18 19 20 सॉरी बिल्कुल इसका आंसर 29 ना आकर गाइस 30 आएगा जस्ट ए मिनट इसका आंसर 29 नहीं आएगा 30 ही आंसर आएगा बिटवीन भी बोले तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि जब एग्जैक्ट होगा क्रॉस की बात कर रहा है ना कि एग्जैक्ट 12 आएगा तो 45 कब होगा जब क्रॉस करेगा 16 कब होगी जब क्रॉस करके जाएगी क्लियर हुआ तो आंसर क्या होगा 30 ओके क्वेश्चन की लैंग्वेज का थोड़ा सा कंफ्यूजन था वन मोर क्वेश्चंस की अपन बात करें यहां पर एक और क्वेश्चंस क्या था गाइस देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कुछ इक्वलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस था मैक्सिमा मिनिमा से आपको दो इक्वेशंस दे रखी थी पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू लेस देन फोर ये इक्वेशंस गिवन थी और सेकंड गिवन था 3p प्लस 2q लेस देन 6 आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू इफ पी एंड क्यू बोथ आर पी एंड क्यू बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर क्लियर
अब पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, यस नो? अपन ट्राई एंड हिट से भी खेल सकते हैं, ट्रायल एंड हिट से भी खेल सकते हैं। ऑप्शंस गिवन थे यहां पर, क्या क्या ऑप्शंस गिवन थे? 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो दो एटलीस्ट क्या होगा, 2। अब यदि मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से अपन चले तो मैक्सिमम 4 के कॉम्बिनेशन की बात करें तो 2+2 आ सकता है, पी प्लस क्यू, क्लियर? 3+1 आ सकता, क्लियर हुआ? 1+3 आ सकता, 0 तो आ नहीं सकता। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? यदि अपन बात करें इस ऑप्शन के लिए, डी ऑप्शंस के लिए, डी ऑप्शंस के लिए, यदि मैं पी 2 लिया, 2 का स्क्वायर, क्लियर? 4 - 2 इंटू क्यू -6 लेस देन इट्स ओके। पर यदि पुट किया यहां 6 और 6 तो यहां पर 6 और 4 = 10 लेस देन रॉन्ग आंसर। तो सेकंड कंडीशन के लिए रॉन्ग हो गया। यदि मैं इसको बात करूं तो ये भी रॉन्ग होगा और इसकी बात करूं तो ये भी रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन यदि मैं सी को लेता हूं, ऑप्शन सी को चूज करता हूं, पी प्लस क्यू कितना गिवन है बेटा यहां पर? यदि 3 मैं लेता हूं तो 1+2 हो सकता है, 2+1 हो सकता है, 0 तो होगा ना। यदि मैंने 1 पुट किया, नेगेटिव वैल्यू आई, इट्स ओके। यदि मैं यहां पुट किया 3+4 = 7, इट्स ए रॉन्ग। यदि यहां पे बात करूं 6+2 रॉन्ग। यदि मैं बी ऑप्शन चूज करता हूं, ऑप्शन बी, तो पी प्लस क्यू इक्वल टू 2 कब होगा? जब 1+1, तो P की वैल्यू भी 1, Q की वैल्यू भी 1, 0+2 नहीं हो सकता, 1 में भी सेटिस्फाई और 1 में भी, तो आंसर क्या होगा? यस, तो यहां पे जो P की वैल्यू होगी वो भी 1 होगी और Q की वैल्यू भी क्या होगी? 1, तो सो आंसर विल बी P प्लस Q, आंसर क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में अपना बी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू यू। एक क्वेश्चन DI का था, पाई चार्ट से रिलेटेड था, उसके डेटा मेरे पास नहीं है। यदि आप मुझे डेटा शेयर करें तो मैं आपको बता दूंगा, इस नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। यदि मैं पूरे एप्टीट्यूड की बात करूं तो पेपर्स का लेवल एवरेज था, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं था। 2-3 क्वेश्चंस को मॉडरेट किया था, एक तो सुडोकू वाले क्वेश्चंस को मॉडरेट किया हुआ है और एक फंक्शन वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 2020 के अंदर भी आया था, बट इस टाइप का फंक्शन ही था, वो डिफरेंट फंक्शन था बट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। तो आई होप आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिला होगा। यदि और भी आपको कोई क्वेश्चंस याद हैं तो इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।